अरे भाई, तुम सैल्यूट के नाम पर गन दिखाकर मुझे क्यों डरा रहे हो? वाह, ये भी यहाँ पर मौजूद है। अरे भाई, तुमने आईपीएस बनकर पूरी जिंदगी काट ली, लेकिन वो शेर है आऊ, जब सर पर रुमाल बांधकर निकलता है तो रोमांचित कर देता है। यहाँ की पुलिस को सम्मान दिलवाने वाला भानु प्रताप राज्य के खेल प्रतियोगिता में एक दो बार नहीं, पूरे 4 बार जीत कर चैंपियन बना है। अब ऐसे चैंपियन को अगर मेरे जैसा खेल मंत्री आकर मुबारकबाद नहीं दे। करना जानता हूँ। अच्छा, इस वक्त वो कालू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सर। सैल्यूट करके मेरी बेइज्जती मत कर भाई, तू तो आकर मुझसे गले मिल ले। आजा भाई। थैंक यू सर। दो भाई, अब ये लो। थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है, सच बताऊं तुम्हारा खेल देखकर मैं इतना खुश हुआ था कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। मुनीर भाई, जरा वो देना, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है सर? पिछले साल जब तुम चैंपियन बने थे तब तुमने मुझसे एक बात कही थी। क्या था वो? उस जगह का नाम क्या है? हाँ, वहीं पर तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। अक्सर उस जगह पर किसी को सजा देने के लिए ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें उस जगह से इतना प्यार क्यों है? सर वो ये नहीं बताएंगे सर, मैं बताता हूँ, ये एक राज है। मत बताओ, राज को राज ही रहने दो भाई। अब जो भी हो, तुम्हें वहां प्रमोशन के साथ ट्रांसफर किया गया है, सब इंस्पेक्टर बनाकर। तुम वहां अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ ये दाढ़ी वाला भी जाएगा। अगर आपको सच बताऊं तो सर, मैं अपनी जिंदगी में 2 बार हारा हूं सर, पहली बार 8वीं क्लास में और दूसरी बार सर आपके प्यार में। स्वामी जी, जब से आप पुलिस में शामिल हुए हैं तब से आपके गले में ये माला है, आप अपने साथ मुझे भी लेकर जाएंगे क्या? मुझे बहुत खुशी हुई है सर, इसके लिए आपका धन्यवाद। अरे इसके लिए धन्यवाद देने की क्या जरूरत? भैया अगर मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा तो तुम मुझे डिग्री या सर्टिफिकेट दोगे क्या? बिना किसी कोच से ट्रेनिंग लिए हुए तुमने अपने दम पर यह जीत हासिल की है, उसके लिए मुझे इतना तो करना ही चाहिए ना। सर वैसे हम जैसे लोगों के लिए कोच की भला क्या जरूरत है, जिंदगी में जीने के लिए खुद को भी तो कुछ करना पड़ता है ना। चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है सर? अरे कुछ नहीं, वो क्या है कि मेरी छोटी बेटी जो है ना, वो पीटी उषा बनना चाहती है, उसे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। भैया इस पर दे दो। अरे क्या देख रहे हो भाई, जल्दी करो। अरे मेरे इस मंत्री पद का क्या फायदा है, घर में तो सब मुझे संतरी समझते हैं। ये मेरे लिए नहीं है भाई, मेरी बेटी के लिए है। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, मेरा काम तो हो गया। जैसा मैंने इनसे कहा है ये बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये तो अन्याय है, उत्सव में 5,000 रुपए देकर चंदर के नेतृत्व में मनाने वाला उत्सव है, ये क्या बात हुई? फिर त्योहार मनाना है बोलने से क्या फायदा? इस उत्सव को तो गांव वालों को मनाना चाहिए। अरे देवी माता ये सब खर्चे के लिए बोलती है क्या? एक औरत इतना पैसा कहाँ से लाएगी? अरे चंदर से पहले गोविंद ने उत्सव मनाया था, भक्ति से उसने भी मनाया था, लेकिन अब तो पैसा ही भक्ति है ना, भक्ति क्या करेगी, ये उन लोगों की चाल है। सुनो तुम लोग बस यहाँ पर बैठकर बोल बचन ही करते रहना, चंदर के साथ वाला माधव और उसके साथ सीना तान कर घूमने वाले लड़के गली में घूम घूम कर पैसे मांग रहे हैं। लोग ब्याज से पैसे लेकर बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रखकर उसे पैसे दे रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर पा रहा है क्या? नायर जी बिना हड्डी की जुबान से कुछ भी मत बोला करो, इस गांव में खुशियां नहीं आने वाली, इससे तो अच्छा है कि सुनामी आके सब कुछ बर्बाद कर दे। अरे अरे शांत रहो, अपना मुंह बंद करो गोपाल, तुम उन लोगों को न्याय के बारे में समझाने गए थे तब तुम्हारा बाया हाथ काट दिया और अब तुम्हारी ऐसी जिंदगी हो गई है। अरे फालतू में भाषण मत दो, वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं, दोबारा उन लोगों के मुंह लगने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा दूसरा हाथ भी काट देंगे, और चुपचाप बैठ के चाय पियो। अरे लोला क्या हुआ? हे भगवान, गुंडे लोग आ गए, पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्या
उसे केज कर ला और उस कमीनी को। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। उत्सव मनाने के लिए पैसा देने से इनकार करने वाला इस गांव में कोई नहीं है। उस लड़की को बुलाओ, उसकी इनकार करने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कहाँ से दें? हम तुम्हें पैसा कमा कर देने के लिए यहाँ आए हैं, क्यों भाई? अगर इस धंधे में ज्यादा कमाई नहीं है तो हम ज्यादा कमाने वाला रास्ता बताएंगे। चलो ये रास्ते से बढ़िया, सब कुछ तोड़ दो। ये तो तुम में से कौन है जो इस गौरी का धंधा बंद कराने आया है? अगर वो एक बाप की औलाद है ना तो सामने आ। क्या कर रही है बेटी, चल अंदर चल। गौरी इतनी मेहनत से पैसे कमाती है, तुम होगी भगवान के नाम पे पैसे लूटने आए हो। जिस इंसान को भी ये पैसे चाहिए ना उसे कह दो कि अगर वो गौरी से पैसा लूटना चाहता ही है ना तो उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो नहीं होगा, जा यहाँ से। तेरी तो बहुत जबान लड़ा रही है, हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं ली। बहुत खूबसूरत है तू, तेरे जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को मेहनत करने की क्या जरूरत है? उत्सव के लिए एक रात में तू इतना पैसा कमा सकती है कि तू सोच भी नहीं सकती। तेरी बात मान, ये मेरे साथ रहेगी तो और कमा सकती है। उस पर हाथ उठाएगी ये? ये? अरे पागल, बीड़ी देना। पता नहीं कौन है, ये लोग हमें शांति से पत्ता भी नहीं खेलने देते। अरे वहां पर कौन है, जरा फोन उठाना, लगता है घर से फोन आया होगा। हेलो, पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल बोल रहा हूँ। सर मैं गोपाल बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर मारपीट हो रही है सर, वो चंदर के आदमी गौरी को मार डालेंगे सर, जल्दी आइए सर। अरे मारने दो, अगर वो गुंडे लोग उसे जान से भी मार देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनसे पंगा लेने की हिम्मत यहाँ किसी में नहीं है। क्या भाई गोपाल, तुम तो इतने सालों से इस गांव में रह रहे हो, उनसे तुमने पंगा लिया था तो क्या हुआ, तुम्हें अपना दाया हाथ ही खोना पड़ा और अब एसटीडी बूथ खोल कर बैठे हो। अरे भाई शांति से तुम नहीं रह सकते? सर एक तो यहाँ पर झगड़ा हो रहा है और आप एक पुलिस वाला होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने कब कहा कि हम पुलिस वाले हैं, मैं तो शांति से सो रहा था, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मैं अभी सीरियस हूँ, नमस्ते जी। साहब मुझे माफ कीजिएगा, अगर मैं भी आपके जैसा लड़ने जाऊंगा तो मेरी भी तस्वीर यहाँ पर लटकी होगी, ये मेरा अनुभव है साहब। ए मनीलाल, क्या अकेले में बड़बड़ कर रहे हो? वहाँ लफड़ा हो रहा है साहब। अच्छा हाँ, ये तो सच में कमाल हो गया। फिर क्या, त्योहार के मौसम में मारपीट तो होती ही रहती है। हाँ हाँ। और ये तो अभी शुरुआत है। हे भगवान, इस गांव की सुरक्षा आप कौन करेगा? छोड़ो, उत्सव के लिए पैसा देने पे मना करने पर मैंने इस लड़की को दूसरी दुनिया में भेज दिया, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी। छोड़ दो हमें। यहाँ जमा हुई भीड़ में अगर कोई मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आकर इसे बचा ले, है कोई जिसमें दम हो? क्या हो गया? देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हम ये दुकान बेचकर पैसे दे देंगे, लेकिन मेरी पोती को कुछ मत करना। ए, चल हट, चल गाड़ी निकाल। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। उठ जा, उठ जा, उठ जा। अबे देख क्या रहा है, उस बुढ़िया और लड़की दोनों पे गाड़ी चढ़ा दे। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ मेरी बच्ची, उठ उठ जाओ, हे भगवान उठ जाओ। वाह 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 वाह, क्या कमाल है। तो ये है यहाँ का सेटअप, लेकिन मैं यहाँ आकर यहाँ होने वाले तमाशे में टांग अड़ाने के लिए आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। असुविधा के लिए खेद है स्वामी। है रेडी तो हो ना? जय भोले शंकर।
जीप में बैठे हुए पहलवानों, आप लोग बुरा मत मानना, हम लोग नए नए यहाँ पर आए हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ये सब क्या लफड़ा है। एक जवान लड़की को उसके हाथ पैर फैलाकर सीधे रोड में लटा दिया और उस पर से जीप ले जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या है ये सब? कोई सर्कस चल रही है क्या, या फिर किसी जादूगर का मैजिक शो चल रहा है? चाहे जो कुछ भी हो, देखने में बड़ा मजा आएगा। और मजे के साथ साथ डर भी बहुत लगेगा। बोल बचन बंद कर और बाइक हटा। अरे तुम तो पुलिस वालों को ऐसे बुला रहे हो जैसे किसी जानवर को बुलाया जाता है, ऐसे थोड़े होता है। पुलिस अपने पुलिस स्टेशन को संभालता है और इस एरिया को संभालने के लिए हम है ना। अच्छा तो इस जगह का नाम रामपुर है क्या? नहीं भाई, ये रावण राज है। ओ, अरे क्या भाई, तुम इस राज को बदल सकते हो क्या? ओ, मेरे कूल देवता, मैं भी किसके सामने खड़े रहकर बात कर रहा हूँ। यह है भीमा भाई और यह है नकुल भाई। आज तो मारपीट पक्की होगी। आज भीड़ के सामने हम नेवले सांप का खेल खेलेंगे। खेल देखने में भी बहुत मजा आएगा। क्या बोलते हो भाई, एकदम सही है ना? अरे इनको समझाने से क्या फायदा, जैसे सुपर स्टार ने गुंडों को दौड़ा दौड़ा करके मारा था ना, बिल्कुल वैसे सांप नेवले की तरह। क्यों, सही कहा ना? मेरे प्यारे भाई, यह देख, तुम्हारे जैसा एक खाकी वर्दी वाला यहाँ आया था, वो भी तुम्हारी तरह बहुत उछल कूद कर रहा था और एक दिन वही इंस्पेक्टर यहाँ से अपनी लाश लेकर गया। हमने उसका खून किया था और उसकी गवाही देने के लिए यहाँ पर कोई भी सामने नहीं आया है? अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, खून की गवाही। चलो ठीक है, हम जैसे पुलिस वालों को तो खून होने की गवाही चाहिए। अभी तो हम हमारा काम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पहले ये जो लेटी हुई लड़की है ये जिंदा है या नहीं देखते हैं। नहीं तो क्या होगा कि दो लाशों को लिपट कर एक साथ ले जाना पड़ेगा। बस एक मिनट, हाँ स्वामी, एक सोडा लाना। जय भोले शंकर, एक सोडा दीजिए। हाँ ये लीजिए। हाँ, अभी मेरा काम हो गया, अभी जिंदा है। वैसे एक लाश कम हो गई है, अब क्या करेंगे? तैरना शुरू किया है तो आधे में नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए जितना हो सके हम पूरी कोशिश करेंगे। बस एक काम करो, मुर्दा घर बनाने की तैयारी रखना, उसमें कंजूसी मत करना, क्योंकि तुम ही लोगों ने कहा था ना कि हम लोग यहाँ से लाश लेकर ही जाएंगे। अरे लाश लेके जाने के लिए हमारे पास कांस्टेबल तो है, लेकिन कांस्टेबल बुलाने लायक यहाँ पर सिचुएशन तो खड़ी करके दिखा दूं मैं? अभी वो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। ए चुप कर, तेरे जैसे इंस्पेक्टर को अकेले ही संभालने के लिए मैं काफी हूँ। स्वामी जय बोले शंकर। 420 420 बनारसी। 420 अबे 24 बनाना। ठीक है सर। बात हुई नहीं कि आपने काम शुरू कर दिया, पता नहीं आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है। अरे मैटर के रिजल्ट तक तो अपने को बाद में पहुंचना ही है भाई, और मैटर सुलझाने के लिए मैं उतना स्ट्रांग भी हूँ, लेकिन पहले इस लड़की को तो मैं जरा साइड में कर देता हूँ। मार उसे। चलो इस पान में मिर्ची मिला कर दूंगा तो बहुत मजा आएगा। है लीजिए साहब। डर तो नहीं लगा ना? ए, ए, जा। चलो पैर रखने की जगह तो मिली। फूलों की बारिश हो रही है। वाह वाह वाह, सही सही। Hey!
गिरा हुआ दिख जाए तो उसे जूठा खाने वाला समझ रखा है क्या हमको? जड़ से उखाड़ कर सबूत को सामने लाने वाली है स्टेट की पुलिस। क्या समझते हो तुम लोग खुद को? हाँ, तुम जैसे गुंडों को नहीं छोड़ेंगे। अगर आइंदा से इन गुंडों को लाकर इन गांव वालों को डराने की जरा भी कोशिश की ना तो देखना, सिर्फ तुम लोगों की ये बैंड नहीं बजाऊंगा, तुम लोगों को यहाँ पर भेजने वालों की भी लाशें बिछा दूंगा, मुर्दा घर भेज दूंगा, और वो भी हम पुलिस वालों के फंड से, समझा? अभी स्टेडियम में जितने भी दर्शक है सभी लोग ताली बजाओ, चलो चलो बजाओ। खुश हो ना, चलो मजे करो। दाइने दाइने, अभी सीधे, या पहली बार आया हो ना? हाँ, बाय। बस रुक जाइए, यहीं पे यहीं पे। ऐसा ही आ गया है। बाइक छोड़, चल। लगता है सब कुछ हिला हुआ है यहाँ। स्वामी, हैं? इन सबको नीचे उतारो। हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है तुम्हारा? इंदर। इसलिए तुमने पादुकाएं और ये कुंडल पहने हुए हैं? ये देवलोक नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है, समझ गए? समझ गया सर। क्या समझ में आया? ये देवलोक नहीं है, ये समझ में आया। तो ये पुलिस स्टेशन है, ये समझ में नहीं आया क्या? समझ गया सर। अगर नहीं समझे तो क्या? ये सब क्या है? हाथ पैर क्यों कांप रहे? आज कोई पगार का दिन है क्या? ऐसी बात नहीं है साहब। तो फिर कैसी बात है? और ये आगे क्यों आया है? मुर्गा पकड़ने नहीं जाओगे क्या? मुर्गा पकड़ने? रात को रेड करोगे तो ये सब कम हो जाएगा। तो बताइए आप कैसे हैं? खुश तो है ना? अरे आओ भाई। लॉकअप एंगेज है क्या? एंगेज मतलब? अरे लॉकअप में कोई है या नहीं ये पूछ रहा हूँ। अरे नहीं है। लॉकअप तो है ना? हाँ है ना। हाँ। वहाँ पर? हाँ। जय भोले शंकर। रुक जाओ। मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मत मारो, नहीं, मत मारो, छोड़ दो मुझे, मत मारो, नहीं, नहीं, मत मारो। तू अमर परितोष का बेटा होकर उसकी तरह गुंडागर्दी करना चाहता है? हाँ बोल। तेरी तो, तेरे बाप को पकड़ने गए पुलिस वालों को तूने मारा? हाँ, अभी से गुंडागर्दी? मैंने नहीं मारा था, मैंने अपने पिताजी को बचाने के लिए सब किया। क्या रे, तेरा बाप मौत का इंतजार कर रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए।
तेरी तो कचरे में पलने वाले तुझ जैसे लड़के को तो अभी से कुचल देना चाहिए, नहीं तो कल आगे चलकर तू अपने बाप की तरह गुंडागर्दी करेगा। इसीलिए आज तेरे मैं हाथ पैर तोड़ूंगा। बच्चा है, ये मर जाएगा। मरना तो इसे, अगर ये जिंदा रहा तो देश में गंदगी फैलाएगा। हट। चला क्या बात है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? वो मैंने आपको कहीं देखा है ऐसा लग रहा है। यहीं देखा है, इसी जेल के अंदर। उस दिन लॉकअप में मार खाई थी वो आपको याद है क्या? गुंडागर्दी करके लोगों को डराने वाले मेरे पिताजी एक दिन इस धरती के लिए वो बहुत बड़े बोझ बन गए। एक दिन मेरे पिताजी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, वो वहां से भाग गए और उनके बदले मुझे कई बार इस लॉकअप में आना पड़ा। और यहां पर उस एसआई ने मुझे पकड़कर एक बार बहुत मारा था, वो देखकर आपकी आंखों से आंसू निकले थे। वो बात मुझे अब तक याद है। अब भी आपको याद नहीं आ रहा है? ये गांव वाले उस नाम को कभी नहीं भूल सकते। वो नाम बताने से आपको याद आएगा, अमरकांत परितोष। उसी परितोष का बेटा हूं मैं, भानु प्रताप। विनन भाई, अपने आदमियों को नया चार्ज लिया एसआई पकड़ के ले गया है। हाँ क्या? चंदर और माधव के लड़कों को हाथ लगाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, और उस पुलिस वाले की इतनी हिम्मत कि उसने हमारे बच्चों को लॉकअप में डाल दिया। कहाँ है तेरा वो पुलिस वाला? उसकी इतनी हिम्मत हमारे बच्चों पर हाथ डालेगा वो? चलो उसे बुला के ला। आप लोगों का मुझ पर नाराज होने से कोई फायदा नहीं है। आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो बाहर गए, लेकिन अगर वो हिम्मत वाला मर्द का बच्चा यहाँ आ गया तो आप लोग मर्द हो ये भूल जाओगे। चंदर भाई के नाम को बरकरार रखने के लिए ये माधव मेनन और उसके साथी भाइयों के शरीर को हाथ लगाने के लिए अभी तक ऐसा कोई मर्द का बच्चा पैदा नहीं हुआ। आपने कहा था अमर पारितोष को तो आप जानते ही होंगे, उसी पारितोष का बेटा है भानु प्रताप। वो अमर पारितोष तो गुंडा था ना, और वो सुधर कर अपनी जिंदगी जीना चाहता था, पर आप लोगों ने उसे सुधरने का मौका ही नहीं दिया। वो गुंडागर्दी छोड़कर अपने परिवार के साथ जी सकता था, लेकिन आप लोगों ने उसके हाथ पैर तोड़कर उसे खाट पर लेटने के लिए मजबूर कर दिया, और उस पारितोष के मरने के बाद उसका खौफ आप लोगों के लिए खत्म हो गया था ना। जैसे आप लोगों ने उस पारितोष को निपटा दिया, उसी तरह कहीं इन्हें भी चलो एक मिनट रुकिए। जब आप जैसे बड़े लोग आए तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, ऐसा हमें एसआई साहब ने खास आदेश दिया है। जो अंदर है उन्हें छोड़ना है क्या? छोड़ दूँ? हाँ। अच्छा स्वामी है? क्या बात है, इनका स्टाइल चेंज हो गया? अब जो लोग आए थे वो बड़े लोग थे ना। ओ, 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 क्या बात है।
इन बेजुबान मछलियों पर अपना गुस्सा क्यों उतार रहे हो? चंदर से उसने अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए उसने पुलिस की खाकी वर्दी पहन ली है कमीने ने। जब पौधा छोटा था तभी उसे उखाड़ देना चाहिए था। जब वो छोटा बच्चा था हमने तब तो ध्यान दिया नहीं, अब वो बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। इतना बड़ा पेड़ कि उसे काटने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। अभी उस पेड़ को उखाड़ने के लिए हम सारे लोग मिलकर जितनी भी कोशिश करें तो भी हम लोग उसे नहीं उखाड़ सकते। वो पेड़ एक ना एक दिन हम पर जरूर गिरेगा। हाँ, और ये सब कुछ आपकी ही वजह से हो रहा है, समझ लीजिए। मैंने तो पहले इनसे कहा था उस लड़के को मार दो मार दो मार दो, मगर नहीं मारा। भाई उस दिन जब वो यहाँ आया था उसी समय उसे मार डालना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। बाप के साथ बेटे को भी खत्म करना था। अब देख रहे ना क्या हो रहा है, अपने बाप का बदला लेने के लिए आया है, अब क्या करेंगे हम? एक बात मुझे समझ में आ रही है, इन्होंने जहाँ जहाँ बीज बोया है वो छोड़ेगा नहीं, सारी फसल उखाड़ के रहेगा वो। बस करो, बीज बोने वाला ही फसल काटेगा, यही नियम है। बीज कोई बोए और फसल कोई और काटे, ये नहीं होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए जाओ जाकर उसका सिर काट कर ले आओ। क्या हुआ, तुम्हें सांप सूंघ गया क्या? साहब वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, अगर आप कहो तो उस कमीने का सर धड़ से अलग कर दूं मैं। पागल कहीं का, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करने से कोई मर्द नहीं बन जाता है। जैसे ही उस पुलिस वाले ने इस एरिया में कदम रखा तुम जैसे लोगों को उसने सर्कस का जोकर बना दिया। आज पूरे के पूरे गांव वाले उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। तुम लोग अकेले उसका कुछ नहीं कर सकते हो। वो पुलिस गुंडा पारितोष का बेटा है, वो खाकी वर्दी पहनकर मुझसे टक्कर लेने के लिए यहाँ आया है, देखता हूँ वो क्या करता। उसमें भला देखने का क्या है, उसकी खाकी को छीनने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जानते हो ना हमारी ताकत क्या है, ये देखो इधर। उसके लिए तो ये खादी काफी है, अब वो समस्या नहीं रही। उसकी किस्मत अच्छी है कि उसके यहाँ कदम रखते ही वो उस चिकन शॉप वाली लड़की का जाने अनजाने रक्षक बन बैठा। आपको क्या लगता है ये जो भी हुआ सब कुछ ठीक है? उसकी जगह छीनने के लिए ये वाला भेस नहीं चलेगा। राजनीति जरूरत है, मासूमों को गुनहगार बनाने के लिए राजनीति का दांव पे चाहिए। उसे अपना दांव लगाने दो, आज वो खेल में जीत गया, जब वो खेल में जीत जीत करके थक जाएगा उसके बाद फिर तुम लोग देखना इस विश्वनाथ का दांव, किसी को भी पता नहीं चलेगा राजनीति का ये खेल। मेरे खेल से सिर्फ उसकी सर की टोपी ही नहीं बल्कि उसका सर भी उड़ जाएगा। मैं हूँ भानु प्रताप, मैनन जी का प्यारा पोता। भानु प्रताप, चंदर भाई और माधव भाई को हटाकर इस मंदिर का उत्सव बड़े मजे से मना रहे हो। ये अमरकांत परितोष जब तक जिंदा है यहाँ पर ये उत्सव उन लोगों के अलावा कोई मना नहीं सकता। नहीं परितोष, भगवान के लिए मुझे कुछ मत करना। तुम्हें मारने के लिए मुझे कहा गया है, चलो छोड़ दिया, लेकिन आइंदा यहाँ पर कभी कदम मत रखना, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारा पैर काट दूंगा।
क्या देख रहा हूँ, अमर पारितोष का बेटा भानु प्रताप इस रूप में? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसी गांव में तुमने जन्म लिया था, अपने पिताजी को खोकर अपनी माँ को लेकर इस गांव से बाहर चले गए। मुझे लगा कि तुम अपने बाप की तरह ही गुंडागर्दी कर रहे होगे। गुंडे का बेटा गुंडा, पुलिस का बेटा पुलिस, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, हमेशा से यही तो होता आया है। लेकिन तुमने उस धारणा को तोड़ दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। बस मैं आपसे ये बात सुनकर बहुत खुश हूँ। यही बात आपके मुंह से सुनने के लिए मैं इतनी मेहनत करके यहाँ आया। अपने ही घर से बेइज्जत करके एक औरत को निकाल दिया गया और उसी से पैदा हुए उस बच्चे को इज्जत मिलना तो दूर की बात है, मगर एक जानवर को मिलने वाली दया भी उसे नहीं दिखाई गई। मामा जी, पिताजी ने जहर पी लिया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, उन्हें बचा लीजिए ना मामा जी। कौन है तेरा मामा? तेरे बाप ने मेरी बेइज्जती की है और तू उसे बचाने के लिए मेरे पास आया है? वो सड़ सड़ कर मरेगा, उसका यही हाल करने के लिए मैंने पैसे खिलाकर उसके हाथ पैर तोड़े हैं। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, इस लड़के को घसीट कर बाहर फेंक दो। उस पागल को मरने दो, उसके मरने के बाद उसके लिए गड्ढा खोद कर उसे डाल देना। चल निकल यहाँ से। ऊपर वाले, क्यों जुल्म कर रहा है? मुझे अपने पास बुला ले, मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं, मुझे खोल दे बेटा। आजा बेटा, जल्दी आ और मुझे खोल दे, दया कर मुझ पे, जल्दी आ और मुझे मुक्त कर। माँ, पिताजी कहाँ हैं? अंदर हैं। भाई साहब। अब वो कैसा है डॉक्टर? मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये केस मैं पहली बार देख रहा हूँ। इतना हैवी डोज पॉइजन पीने के बाद एक साधारण आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन ये आप लोग जाके उनसे मिल सकते हैं। बेटा, मैनन सर, बच्चा मेरा, मेरा बेटा अपने बाप की तरह नहीं बनना चाहिए। बाप ने जो गलतियां की वो कभी बेटे को दोहराने मत देना। सबसे पहले तो मुझे ये गांठ खोल के मुक्त कीजिए। मैंने सर, मुझे माफ करो, खोलिए इसे, खोलिए, जल्दी खोलिए। बेटे, तुझे भी अपने बाप की तरह नहीं बनना है, अच्छा बन के रहना बेटा। लक्ष्मी बेटी, हे भगवान,
ये मैं क्या देख रही हूँ? गोविंद जी आप नहीं नहीं नहीं, तुम लेटी रहो। अभी तो ये आराम कर रहे हैं, जब ऊपर वाले भी साथ छोड़ देते हैं तो कैसे जीना है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। शरीर में ताकत होनी चाहिए ना, दवा से ठीक नहीं हो सकती, ये जानने के बाद से ही ऐसी है। और भगवान भी बीच बीच में बहुत सारा दुख देते हैं, उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी है। लगता है जिंदगी के साथ इन्हें जंग लड़नी है। तुम रो क्यों रही हो बेटी? वो दिन तो गुजर गए ना, चाहे कुछ भी हो, इसके जैसा तुम्हें हिम्मत ही बेटा उस ऊपर वाले ने दिया है, तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए। अब तुम और तुम्हारा बेटा, अब कभी भी मत सोचना कि तुम लोग बिल्कुल अकेले हो गए हो, ये गोविंद तुम्हारे साथ है। अरे जल्दी जल्दी ब्रश चलाओ, पॉकेट मारने में तो बहुत तेज हाथ चलता है तुम्हारा। ये लो। क्या बात है, आज सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा टिफिन लेकर आ गई? यही पे अपना बिजनेस शुरू करना है क्या? अरे रे, ये बिजनेस मैं यहाँ कैसे कर सकती हूँ? नहीं चाहिए। अरे स्वामी भाई, आप तो खुश है ना? वैसे ये स्वामी जिंदगी में सिर्फ दो ही बार हारा है, पहली बार 8वीं में फेल हुआ था और दूसरी बार तुम्हारे सामने तुम्हारा प्यार देखकर। भगवान ही आपका भला करे। ये तो मुझे ही सुनाकर चली गई। ए रुक जा। पब्लिक प्लेस में बीड़ी सिगरेट पीने से पुलिस पकड़ती है। पकड़ती है तो पुलिस स्टेशन में जो बीड़ी पिएगा उसका पुलिस क्या करेगी? नहीं पकड़ेगा, इसलिए तो ये यहीं पर बैठकर पी रहा है। बात वो नहीं है, ये आदमी सिनेमा थिएटर में बैठकर सिगरेट पी रहा था। हाँ। इसीलिए साहब ने से शाम तक बैठकर सिगरेट पीने की सजा दी। कैसा लगा? बहुत अच्छा किया। इसने 1 घंटे में 4,500 बीड़ी पी है। सर क्या है? सर मैं खाना खाकर आता हूँ। तू खाना खाने जाएगा तो तेरा बाप यहाँ का बीड़ी पिएगा। खत्म हो गई है, बीड़ी और आ जाएगी, तू पीता रहे बस। हाँ चलो अंदर, और भी अजूबे हैं। तुम यहीं पर रुको। क्यों गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है क्या? ये ना लेडीज सीट पर अपना अधिकार जमा रहा था, इसको ये सजा मिली है। हाँ, मतलब देखा जाए तो अब लगता है कि ये गांव सुधरने वाला है। सुधरने वाला नहीं, सुधर गए हैं। कैसे नहीं सुधरेंगे, सुधरना ही पड़ेगा। सही कहा। हाँ। जाने दो, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ इंस्पेक्टर बलराम से परिचय करने आई हूँ। मोहंती से? नहीं नहीं, जो नए SI आए हैं ना उनसे। अच्छा है, पहचान करने का ये अच्छा समय है। ये क्या कह रहे हो, वो यहाँ आए नहीं है क्या? वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं लॉकअप में, मधुर सेवा मसाज कर रहे हैं सबकी। सुनिए आवाज आ रही है सबकी। स्वामी जय भोले शंकर। अंदर जो 5 लोग है ना उनको खाना खिला दो और बिठा के आराम से खाना खाने। नमस्ते, मैं मंडल का प्रेसिडेंट हूँ उमेश। वैसे मैं मंडल के बारे में तो आराम से बाद में फैसला करूंगा, पहले तुम्हारा काम बोलो। इस पार्टी के लिए? इसी पार्टी? हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मेरी पहचान वाला है, आप इसे मेरी लिस्ट पर बाहर कर दीजिए। अगर सर रिस्क उठाएंगे तो बेचारे ये यहाँ बैठे हुए सर क्या करेंगे? उठो भाई, आप यहाँ से जा सकते हो। थैंक यू। देखिए जब भी मेरी जरूरत पड़े आप मुझे बुला लीजिएगा। सर हाँ, कोई काम है क्या? स्वामी जरा वो सर को पोजीशन दिखा दो। जय भोले शंकर। देखिए इस तरह से आसन लगा करके आराम से बैठ जाना है, अगर आसन गलत हुआ तो डंडा पड़ना निश्चित है, इसलिए जरा सोच समझ करके आसन करना, ठीक है? आओ 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 आओ। सुनो मैं मंडल का प्रेसिडेंट हूँ। तुम मंडल हो तो मैं अखंड ज्योति हूँ, चलो आसन करो। जय भोले शंकर, मंडल का फट गया। हेलो तुम यहाँ कैसे? वो लोग फिर से आकर सर्कस कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, अरे वो लोग तो क्या, उनका बाप भी मुझे सर्कस दिखाने नहीं आएगा। उसी बात के लिए धन्यवाद कहने के लिए मुझे दादी ने यहाँ भेजा है। दादी कहती है कि पुलिस वालों को खुश करना है तो सिर्फ नोट से कर सकते हो, लेकिन गौरी ये बात नहीं मानती। तो फिर दादी ने कहा कि अगर पैसे नहीं है तो जाकर खाना ही खिला दो। और मैंने भी सोचा कि सर की हरकतों से तो यही लगता है कि वो पैसे खाने वालों में से नहीं है। क्यों सही कह रही हूँ ना? अब मुझे तो सही लग रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ सबके लिए चिकन लेकर आई हूँ। ए पप्पू जल्दी आना लेकर। ठीक है दीदी। भोले शंकर। ए पप्पू ये सब खोल के रखना यहाँ। ये है चिकन चिली, ये चिकन फ्राई और ये है देसी चिकन करी। इसमें है मीठा, इसमें चपाती और इसमें है चावल। सब लेकर आई हूँ मैं। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को बस बैठकर सब कुछ खत्म करना है, ठीक है? ये किसने बनाया है? गौरी। वो कौन है? वो तो मैं ही हूँ। तो मैंने बनाया है ऐसा नहीं बोल सकती। अब जब इतनी मेहनत करके तुम ये सब कुछ बना कर लाई हो
तो चलो यहाँ पर आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ। नहीं नहीं साहब, मैं खड़ी ही ठीक हूँ। मेरी बात सुनो, चुपचाप बैठ जाओ। तू खड़ा हो जा, तेरी दीदी बैठेगी, तू खड़ा रहेगा। बड़ा आया कुर्सी बैठने वाला। अब हर चीज को तुम टेस्ट करो पहले। हाँ सर, मैं सब कुछ टेस्ट करके ही तो लाई हूँ। फिर भी तुम एक बार ट्राई तो करो। हाँ कैसा लगा? लाजवाब है। लाजवाब है। अब एक काम करो, उस बोर्ड को एक बार प्यार से पढ़कर देखो। लोगों से रिश्वत लेना या देना एक गुनाह होता है, इसलिए हाँ मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूँ। उन 5 मिनट में तुम्हें ये सारी चीजें खाकर खत्म करनी होंगी, समझ गई ना? तो बताओ क्या होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं, पूरा खत्म करो। बड़ी आई खाना लाने वाली। जल्दी खिला। क्या बात है, ट्रैफिक का काम इतनी जल्दी खत्म कर दिया? सर ये काम मुझसे नहीं होगा, मेरा लोगों से झगड़ा हो जाता है। जिस दिन से मैं ट्रैफिक में खड़ा हुआ तब से मेरा मचमच हो रहा है, और उसने आज मुझे लाफा मारा। ट्रैफिक पुलिस वाले को लाफा मारने की हिम्मत किसमें है? उस रिटायर्ड डीएसपी के दामाद ने मारा सर। जब वो कार में जा रहा था तो मैंने उसकी कार रोक दी, तो उसको गुस्सा आ गया और उसने मुझे लाफा मार दिया। अपनी तो किस्मत ही ऐसी है। तो क्या हुआ, अभी कहाँ है वो उसका दामाद? क्यों भाई, लोकेशन सही है ना? लोकेशन गलत हुआ तो सब अनर्थ हो जाएगा। स्वामी जाए बोले शंकर, लाइट के सेटअप से तो लग रहा है कि वो यही मिलेगा। जिसने मारा है उसे वापस मारने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो मिल जाना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। सही, ताकत होनी चाहिए। लेकिन वो मेरे पास नहीं है, मैं जानता हूँ वो उस तरफ होगा। उस तरफ नहीं, इस तरफ। चलो इस तरफ जाने वाला उस तरफ जाएगा तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा? चिकन फ्राई की खुशबू आ रही है। चलो बताओ इस भीड़ में आपको लाफा किसने मारा? ए, ब्रांड वाला लेके आया ना, उस ग्रीन शर्ट वाले टकले ने सर। अच्छा इंद्र भाई आप यहीं रहो, हम उससे परिचय करने के बाद आपको बुलाते हैं। स्वामी जय बोले शंकर। सॉरी सर, हमें यहाँ आने में थोड़ी सी देर हो गई। आखिर तुम लोग हो कौन? हम कौन है? अच्छा मजाक करते हो, मैंने कितनी बार आपको बताया है कि बार बदल कर पियो लेकिन ब्रांड बदल कर नहीं पीना चाहिए। अरे मैं कुछ भी पीऊँ तुझे क्या? रुकिए रुकिए, इस शुभ मुहूर्त में सिर्फ काम की बातें करेंगे, फालतू चर्चा बिल्कुल नहीं। काम की बात ये है कि सही वक्त पर हम लोग इस दामाद जी को सम्मान प्रदान करेंगे, सही बोला ना सर? इंद्र भाई अपने सारे कुल देवताओं को याद करो, और तुम्हें जो सम्मान में मिला है उसे सम्मान के साथ वापस आगे बढ़ो। तू मुझे मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत क्यों बे दामाद? तेरा ससुर तो अभी रिटायर्ड डीएसपी है और उसने रिश्वत लेकर ये सारी जायदाद बनाई है, समझा? और अपनी बेटी से तेरी शादी करवा कर तेरे शरीर में जो इतना सारा कोलेस्टेरॉल भर कर रखा है ना, उसे कैसे निकालना है ये हम पुलिस वाले अच्छे से जानते हैं। अभी तक तो शराब पीकर लोगों के सामने जो मस्ती मजाक कर रहा था ना, ये मजाक हमारे साथ में नहीं चलने वाला, समझ गया क्या? अगर किया ना तो इसके बाद दुनिया देखने के लिए तेरी आंखें नहीं बचेंगी। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। नहीं ऐसे कैसे छोड़ दें, ये बात तुम लोगों के समझने वाली बात है। क्या गलती की तुमने? ट्रैफिक जंक्शन पर एक पुलिस वाले को लाफा मारा, उसी का बदला लेने के लिए हम लोग इस फंक्शन में आए और तुम्हें वो लौटा दिया। हाँ, जो दोगे वही तो वापस मिलेगा ना, और ये तो पुलिस वालों का उसूल है। जंक्शन में लाफा मारा तो फंक्शन में लाफा पाया, डायलॉग कैसा था? चलो जाए बोले। रुको, कहाँ जा रहे हो? डीएसपी साहब बुला रहे। डीएसपी परमेश्वर के दामाद पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? अगर एक बाप की औलाद है तो वो पुलिस वाला मेरे सामने आए। एक बाप की औलाद मैं हूं परमेश्वर साहब। आपको आने में जरा सी देर हो गई, लगता है आज के फंक्शन में आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है। इस शहर में आकर चार्ज लेने के बाद ही मैं आपसे परिचय करने के लिए अपने दिल से बहुत सोच रहा था। पहले ऊपर वाला पीछे पीछे काम करवाता है, अब स्पॉट पर डिलीवरी। अब एटीएम का जमाना है, जैसे ही डालोगे तुरंत मिलेगा। अभी हम दोनों की मुलाकात होनी थी इसलिए आपके दामाद पर चिल्लाने की बारी आ गई। इस तरह आके फाड़ कर क्या देख रहे हो मुझे? भूल गए क्या इस चेहरे को? अगर भूल गए हो तो याद दिलवाता हूँ, मैं हूँ भानु प्रताप, गुंडा अमरकांत परितोष का बेटा। क्या गुस्सा कर रहे थे अभी अभी? पिताजी की तरह कल बेटा भी गुंडागर्दी में उतर जाए तो सर जैसे लोगों के लिए बहुत काम बढ़ जाएगा, इसलिए आप शुरू से ही मिटाना चाहते थे। और सही कहूं तो मिटाने के लिए ही आपने इस शरीर को लात से मारा। अब मेरा यह शरीर तो काला है इसलिए निशान बाहर नहीं दिख रहा है, लेकिन मन के अंदर
घाव बहुत ही गहराई से भरा हुआ है। देख क्या रहे हो, मार के भगाओ इसे। किसी की हिम्मत नहीं है, हमें छूने की कोई सोच भी नहीं सकता। अरे हमें मारने के लिए कोई मर्द इस भीड़ में पैदा ही नहीं हुआ है, वो जमाना तो अलग था। इसलिए अब शांति से अपना जीवन जियो, नहीं तो क्या होगा, हम जैसे पुलिस वालों का काम बहुत बढ़ेगा और हमारा काम सीधे ऊपर पहुँचाने वाला होता है। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पर आई गए तो ये भानु प्रताप एक ना एक काम तो करेगा ही। कल जब आप दुनिया से विदा हो जाएंगे तो आपको इज्जत देने वाला तो कोई बचेगा नहीं। इसलिए आपको सैल्यूट मारने के लिए एडवांस में ही अपने सैनिकों को बोल देता हूँ, स्वामी जी मारो सर को सैल्यूट। चल बे, रिटर्न डीएसपी परमेश्वर सर। ए दामाद, चल अब मैं चलता हूँ। इस पुलिस वाले से कभी पंगा मत लेना। मैं कम इन सर। अंदर आ जाओ भाई। अच्छा ये बताओ, नई जगह ज्वाइनिंग करके कैसा लग रहा है? मैं खुश हूं सर। गुड। क्या है ये सब, रिंग चेन ब्रेसलेट फिल्मों की तरह पहन रखे हो? सर एक चेंज के लिए आपने बुलाया था, क्या मैं वो रीजन जान सकता हूँ? वो क्या है कि ऐसा सुनने में आया था कि कोई महान पुरुष चमड़े के आसन पे बैठ के जंगल में कई सालों से लगातार तपस्या कर रहे थे। उस महान व्यक्ति के बारे में जानने के लिए शहर से कुछ पुरातत्व विभाग के लोग आए और आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें वहां पे पाइप बॉम्ब मिला। वहां पर कुछ ऑपरेशन चल रहा है ऐसा इंटेलिजेंस वाले कहते हैं। वहां दूसरे राज्य के भी लोग मौजूद हैं और यह भी बताया गया इस वक्त वहां पर जो भी लोग मौजूद हैं वो लोग आधुनिक हथियार के साथ इस शहर में कोई बहुत बड़ा कारनामा करने वाले हैं, ऐसी सूचना मिली है हमें। ये किसी कहानी का हिस्सा है क्या सर? हाँ, इंग्लिश में जो 26 अक्षर हैं उन अक्षरों में से 3 अक्षरों को निकालकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने वाला हथियार है ये। सब टेररिस्ट का काम है, समझे? सर जिस काम के लिए बुलाया है वो तो बताइए। हाँ हाँ, बस अब वही बताने जा रहा हूँ। सब मिलाकर देखा जाए तो जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। तो कैप पहनने वाले सभी लोगों को वहां पर बुलाया गया था, उसमें से एक मैं भी था। डिपार्टमेंट में हाई लेवल की मीटिंग थी। मैं तुम्हारा प्रमोटर हूँ ये बात वो लोग नहीं जानते हैं। मैं तुम्हें ये देने के लिए यहाँ पर पर्सनली बुलाया। काम पॉलिटिकल हो तो भी ये ऑर्डर पढ़ के देखा तो तुम भी परेशानी में पड़ जाओगे, ये मैं जानता हूँ। ये क्या है सर? कुछ भी नहीं, उस गांव में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और उत्सव के नाम पे पैसा कमाने के लिए वो लोग होटल और बॉटल का पानी इस्तेमाल करेंगे, ये मैं जानता हूँ। और वो लोग नशे की हालत में लड़कियों को भी बुलाएंगे और उनके साथ रात भर मस्ती करेंगे और ये सारा काम सुबह तक चलता रहेगा। और ये सारा कुछ पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। और ये उत्सव सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहता है, इस उत्सव में मस्ती करने के लिए फॉरेन कंट्री से भी फॉरेनर आते हैं। और इस साल ये सब कुछ ना हो पाए इसलिए हमें पहले से ही सतर्क रहना होगा। अगर हम लोग पहले से ही सतर्क रहे तो हम ये सब कुछ नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो फोर्स और मंगा लेंगे। सर आपका मकसद? यस, हम प्लान के साथ रेड करेंगे। स्वामी सब तैयार हो जा। स्टॉप स्टॉप, सब लोग निकल उतर गाड़ी से, गाड़ी घुमाता चकड़ी उखड़ दूंगा तेरी।
काम करो, वहाँ पर रजिस्टर चेक करो। सर तुम लोग उस तरफ रूम में चेक करो। स्वामी जी रजिस्टर दो अपना। आपकी वर्दी से मैं नहीं करने वाली, इससे बड़े बड़े लोगों को मैं जानती हूँ अच्छे से। क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? आपको पतिव्रता बोलती है। आप मुझे इस तरह जलील क्यों कर रहे हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? किया क्या है मैंने? अरे चुप हो जाओ। नमस्ते मैडम, यहाँ पर जो कुछ हुआ उसमें टांग अड़ाने के लिए हम माफी चाहते हैं। आप लोग सिर्फ पुलिस वाले हो, आप लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अरे अरे मैडम, हम नहीं जानते हैं, ऐसा मत बोलो। मैडम कौन है ये इन लोगों को पता होने के लिए एक काम करता हूँ, मैं एक अच्छा सा क्लू दे देता हूँ। स्वामी हाँ बोलिए। तो मैडम कौन है ये क्लू दे सकते हो ना? हाँ दीजिए। तो सुनो भाई लोग, मैडम कौन है ये अच्छे से सुनने के लिए। यही औकात है तुम्हारे। चलो अब चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। चलो चल चल चुपचाप। सारी चाबी निकालते हैं हम लोग आते ही। चल चल यार। अरे सब काम हो जाए। इतना सब हो गया लेकिन तुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? कितना भी बोलो दिमाग में कुछ नहीं घुसता तेरे। विश्वनाथ की कमाई खो भी गई तो भी चलेगा, लेकिन ये खादी से कमाई हुई जो मेरी इज्जत है ना, अगर तूने पुलिस वालों से मिलकर उसे मिटाने की कोशिश भी की तो याद रखना ये विश्वनाथ ऐसा राक्षस है जो उसे भी मार डालेगा। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस के साथ मिलकर ये सब काम मैंने करवाया है? इस राज्य में पुलिस धक्का दे, पकड़े या मारे, उसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर ही होगी, याद रखना। तुम पहले किस हाल में थे ये बात मेरे मुंह से निकलवाने की कोशिश मत करना, अगर मेरा मुंह खुला ना। अरे विश्वनाथ तुम ये क्या बकवास करने जा रहे हो? ये तो मुख्यमंत्री के ऑफिस से डायरेक्ट ऑर्डर आया था। अरे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। भाई सब कुछ तो जानने के लिए मैंने खुद एसपी को यहाँ पर बुलाया है, वो बस आ ही रहा होगा। मैं आई कमिंग सो। काम को छोड़ो, जल्दी से आओ। तुम आईएएस की वर्दी पहनकर सरकार से तनख्वाह ले रहे हो? इस समाज में जो लोग मान सम्मान से जी रहे हैं उनकी बेइज्जती करने के लिए क्या? मैं समझा नहीं सर। समझ में नहीं आया? समझने के लिए भेजे में अक्कल होनी चाहिए। अब मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। सॉरी सर, जिन्हें बात करने की तमीज तक नहीं है ऐसे आदमी की बात सुनाने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। सॉरी मुझे बहुत सारा काम है, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। क्या बात बताइए, दो वक्त की रोजी रोटी के लिए मेहनत करने वाले गरीब आदिवासियों की जमीन को हड़पने के लिए कम्युनिस्ट के नाम पे पहाड़ में जाकर पुलिस की गोली खाकर वो मर गए, शहीद हो गए, ऐसा तुम्हारे पिताजी ने झूठा नाटक किया था, मुझे सब कुछ याद है। जुबान संभाल के बात करो। नहीं तो क्या, जुबान काट लेगा मेरी? जुबान तो नहीं काटूंगा लेकिन तुझे काट के कीमा बना अच्छा, दूंगा। मेरे सामने ऊंची आवाज कर रहे हो? एक दो कौड़ी के एसआई को भेजकर ये सब करवा कर अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हो क्या? और जब तुमसे जवाब मांगा तो वर्दी की दादागिरी दिखा रहे हो? हाँ सर, ऐसे लोगों के सामने पुलिस ऐसे ही काम करती रहेगी। बेचारे गरीब मजदूर लोगों के ऊपर आप जैसे लोग अपनी ताकत आजमाएंगे तो हम पुलिस वाले उनकी मदद जरूर करेंगे। ये खाकी वर्दी और टोपी सरकार हमें इसीलिए देती है। आखिर सर को प्रॉब्लम क्या है? ऊपर से ऑर्डर आया इसीलिए मैंने वहाँ पर रेड डालने का ऑर्डर दिया, और ये बात आप भी जानते हैं। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस वाले यहाँ पर रेड डालने गए लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। अगर हमें सबूत नहीं मिला तो ये सब सिर्फ इनकी वजह से हुआ है सर। सही कहा, तुम्हें हर महीने पगार मिलती रहे बस सरकार का यही काम है। इस विश्वनाथ से पंगा लिया तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, पत्ता साफ कर दूंगा। अगर मेरा दिमाग जरा सा भी झटक गया ना तो याद रखना, तुम्हारे सर पे ये जो ताज की तरह टोपी चमक रही है ना, उसकी जगह मटका होगा, मटका। तुम्हें पता है जब तुम छोटे से बच्चे थे तब से मैं इस राजनीति के खेल का तगड़ा खिलाड़ी हूँ। मेरे ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं ना, खादी के हैं। खादी? इस खादी का नाम लेकर आप मुझे डराना चाहते हैं क्या? बेनामी में रहने वाला आपका 5-स्टार होटल, होटल के नाम पे सिर्फ वहाँ पर धंधा और गलत काम ही होता है। ऐसा गंदा काम करने वाले तुम्हारे जैसे लोग भला क्या जानेंगे इस खादी की अहमियत? ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ खादी की अहमियत। हमारे देश के महापुरुषों ने खादी को पहनकर अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और उसी खादी की वजह से हमें आजादी मिली है। लेकिन तुम जैसे लोग खादी को पहन के खादी को भी गंदा कर देते हो। क्या कहा तुमने? ये क्या कर रहे हो तुम? गुस्सा जरूरी है लेकिन हाथ उठाने से पहले सोच लेना चाहिए, और ये जान लो कि अगर गलती से भी कभी तुम्हारे ऊपर किसी पुलिस वाले का हाथ पड़ गया ना, तब तुझे पता चल जाएगा। और तुझे अगर कभी हमारी जरूरत पड़ी और तू हमारे पास आया ना, तो तेरा ये हाथ उखाड़ के मैं फेंक दूंगा। मिस्टर एसपी, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। सॉरी सर,
अगर असेंबली में इसके जैसे बदतमीज लोग भर गए हैं तो आप मुझे बताइए सर, मैं आऊंगा इन्हें सबक सिखाने। हमने सर पे ये टोपी इन जैसों की सफाई के लिए पहनी है। शाम का वक्त हो गया है, टीवी बंद करो बेटा। आ, आ, ये क्या सुन रही हूँ? बेटा मैंने क्या सुना? उत्सव करने से क्यों मना किया? ये सब क्या हो रहा है? विश्वनाथ को बुला कर देखो, सब ठीक हो जाएगा और तुम भी उसी के साथ रहो माधव। क्या इसका मैं जवाब देता हूँ? इस साल के उत्सव में माधव चंदर उत्सव में नहीं जाने वाले, बस। अगर यह भगवान के खिलाफ है भी तो लोगों के मोक्ष के लिए किसी कोने में बैठ करके तुम प्रार्थना करो और बाकी जितने भी सारे काम है वो हम लोग देख लेंगे, समझ गई? विश्वनाथ साक्षात भगवान का नाम है, लेकिन तुम राक्षस के स्वभाव के हो, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, मेरी बात याद रखना। अगर इसी नाम से साक्षात विश्वनाथ भगवान भी है जमीन पर उतर के आ गए ना, मैं तब भी सह लूंगा। अब तुम यहाँ से जाओ। हाँ, बुरा होगा तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? नारायण नारायण नारायण। चलो अब टीवी बंद करो। देखो, रेड होने से धंधे में नुकसान हुआ है, बार और होटल को बंद करना पड़ा, लेकिन इसके चलते जो कई सालों से उत्सव मनाया जा रहा है उसे मनाने से कैसे मना कर सकते हैं? मना करना ही पड़ेगा, आखिर ये खुशियाँ किसके लिए मना रहे हैं? भगवान को खुश करने के लिए या फिर गांव के लोगों के लिए फटाका फोड़ कर खुशियाँ मनाने के लिए? लेकिन नहीं, इस उत्सव के नाम पर धंधा करके ये लोग चार पैसा कमाना चाहते हैं, बस। है फोन रख, काम के टाइम पे फोन करता है। और इस साल अगर ये नहीं हुआ तो इस विश्वनाथ की पूरे सर्कल में एक बड़े जीरो की तरह बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन वो पुलिस का बच्चा हमारे खिलाफ एक रात में सारे अखबारों में छपा देगा, फिर इस एमएलए विश्वनाथ की बेइज्जती राज्य के कोने कोने तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप किसी को खुश करने के चक्कर में भगवान का उत्सव मत मनाइएगा। हाँ, ऐसा किसी को खुश करने के लिए नहीं है, लेकिन हम इस नुकसान को देखते हुए अगर पीछे हट जाएंगे तो हमारे दरवाजे पर आकर जो लोग उत्सव का इंतजार कर रहे हैं तो तुम्हें बताओ हम उनको क्या जवाब देंगे? तुम्हारे फैसले से ये उत्सव नहीं रुकेगा। हाँ, रोकना तो पड़ेगा, और इसीलिए मैंने अभी अभी यहाँ पे एक फैसला लिया है, क्योंकि समाज में मेरी भी एक इज्जत है। अगर इस विश्वनाथ की बेइज्जती करा के ही तुम्हें उसे मनाना है तो हम लोग भी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे रहेंगे, हम लोग भी देख लेंगे। चलो। चलो। चंदर से मिलने के लिए गोविंद कार से कहाँ जा रहा है? गोविंद वापस इस मिट्टी में कदम रखेंगे, हम भी ये खुशी से देखना चाहते हैं। अरे हम लोग ये खुशी जरूर देख पाएंगे। वो उत्सव कमेटी का मेंबर है, चंदर के पास जा रहा है, आज हमें जबरदस्त धमाका देखने को मिलेगा। माधव, मैं आया हूँ, गोविंद, चंदर का भाई गोविंद। मेरा पैर काट कर मुझे अपाहिज बनाकर आज मेरी जगह पर बैठे हो, अब तुम्हें तुम्हारे भाइयों को आखिर ऐसा अब क्या हो गया है जो तुम लोगों ने उत्सव का काम रोक दिया? कुछ देर के लिए रोका गया है लेकिन चालू हो जाएगा, अब दोबारा इस दरवाजे पर तुम में से कोई नहीं आना। मैं तुम्हारे दरवाजे पर क्यों आऊंगा? मेरी नजर में तुम कुछ नहीं, भगवान का नाम लेकर तुम और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर उत्सव नहीं मनाने से भगवान की शक्ति कम नहीं हो जाएगी। ये मत समझना कि उत्सव मनाना सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, भगवती माता सबकी है, किसी एक की नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए ये उत्सव होकर रहेगा, और मैं ये वादा करता हूँ इस बार का ये उत्सव मैं स्वयं मनाऊंगा। अगर उसमें किसी ने बाधा देने की कोशिश की तो उसका सामना ये गोविंद मेनन करेगा।
क्या बात है, आज हमारे घर का रास्ता आप कैसे भूल गए? एक पेड़ से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी? चुप रहो तुम, अपनी आंखों से ही देखना कि मैं उत्सव का काम इस एक पैर से करूंगा। शराब का धंधा करवाने वाले, गुंडा लोगों से गुंडागर्दी करवाने वाले एमएलए विश्वनाथ, अब तुम्हारी ये गुंडागर्दी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, देखना सब एक साथ मिट जाएगा। और अगर कभी ऐसा हो भी गया ना, तो मैं गोविंद मामा आपका नाम बदल दूंगा। क्या? मेरे घर में आकर मुझसे ही कहोगे कि मैं उत्सव ना मनाऊं? तुम जो हमारे हाथ से मार खाए हो, ये बात मैं इस गाड़ी पर लिखवा दूंगा, समझे? इसीलिए तुम्हारा ये जो एक पैर है ना, दोबारा गलती की तो ये भी नहीं बचेगा, और उसके बाद फिर तुम्हें अपने हाथों के सहारे जमीन पर रेंगते हुए चलना होगा। बदतमीज, चंद्र राघव के परिवार में ऐसी हिम्मत रखने वाला अगर कोई मर्द है तो मैं देखना चाहता हूँ। चला। सच में इस भानु प्रताप का मेनन भाई आज असली मर्द बन गया है, हम लोग इसका सामना करेंगे। वो विश्वनाथ ना कुछ भी करने से नहीं डरेगा। सिर्फ विश्वनाथ ही नहीं, पूरे विश्व से चाहे कोई भी आए तो भी ये उत्सव हम मनाएंगे, समझ गए? मेनन भाई का ये उत्सव मनाना मेरे लिए एक प्रायश्चित होगा, मेरे पिताजी ने मेनन जी पर किए हुए अन्याय का प्रायश्चित। यस पुलिस स्टेशन। मार डालूंगी तुझे, यूनियन के नाम पर मुझे यानी गौरी को गांव से भगाने आया। चुप हो जा, चुप हो जा। छोड़िए दादी, ये देखो पुलिस आ गई। दादी मुझे छोड़ो, पुलिस आ गई, चुप हो जा। चलो आ जाओ, बोलो क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है सर, हम इनको सामान उतारने के लिए इनके हिसाब से पैसा देने को तैयार है, लेकिन वो पैसे इन्हें कम लग रहे हैं, इन्हें लगता है हमारा कोई नहीं है इसीलिए झगड़ा कर रहे हैं। क्या है भाई? वो क्या है सर की? वो सब बाद में बताना, पहले काम की बात कर। वो अभी नीचे क्यों गिरा था? इसने मुझे लात मारी सर। तो तुझे तेरी मजदूरी मिल गई ना, चल अब निकाल। चल निकल निकल। क्या हुआ? हेलो तुम यहाँ आओ, चाकू पास में है तो किसी को भी मारूंगी। जो पंगा लेगा उसे छोड़ूंगी नहीं। स्वामी जरा इसे बताना। जय भोले शंकर। अबे ये सब नहीं, तो इसके साथ नॉर्मली बात कर। लेकिन वो तो लेकिन बेकिन वो सब अभी नहीं चलेगा, बात कर उससे। ये क्या है? दांत है। दांत में ताकत नहीं है क्या? ए, तुमने गांव वालों के सामने पुलिस को मारा है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। चलो जीप में डालो इसे। अरे नहीं नहीं साहब, मेरी पोती तो मासूम है, इसने कुछ नहीं किया साहब। यहाँ तो कोई भी नहीं है। नमस्ते साहब, मैं सच कहती हूँ साहब, मेरी पोती निर्दोष है। लेकिन मैंने तो उनको बोला था कि वहाँ से उसे छोड़ दो। लेकिन वो वहीं पर है साहब, उसे अभी तक नहीं छोड़ा। वो थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन बड़ी मासूम है, उसकी माँ को कोई धोखेबाज कहे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। गांव वाले उसकी माँ को धोखेबाज कहते हैं, ऐसी वैसी बातें करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। उस बेचारी से एक गलती हो गई थी, एक धोखेबाज गांव में आया था, उसने कहा कि मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा, उसने उस पर भरोसा कर दिया, वो धोखा देकर भाग गया। अपनी पोती को मैंने ही बड़ा किया है साहब, ये अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए उसका नाम किसी को नहीं बताती। क्या आप जानते हैं उसके बाप का नाम क्या है? माधव मेनन नाम है उसका। उसकी पत्नी के बारे में वो किसी को नहीं बताता। अगर मेरी पोती पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहेगी तो क्या होगा सोचिए, पूरे गांव वाले थू थू करेंगे, जैसे उसकी माँ पर थू थू करते थे। मैं कहाँ जाऊंगी सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो। हाँ सही बोल रहा हूँ सर। स्वामी बोले शंकर, तुमसे कहा था ना कि रात को इस लड़की को मत रखना, छोड़ देना। हाँ, अरे एक बार नहीं 100 बार बोल चुका हूँ सर, लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। बोलती है जो मुझे यहाँ जीप में लेकर आया है वही छोड़ेगा तो ही जाऊंगी। ओहो हाँ। Thank you.
चलो उठ जाओ, तुमसे कह रहा हूँ चलो उठो। नहीं उठूंगी, जो गलत कहेगा उसे मैं मारूंगी, नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो पुलिस हो या कोई बड़ा आदमी ही क्यों ना हो। वो सिर्फ ऐसे ही मजाक में। तुम्हें मारने या गलत बातें करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ से छोड़ने आया हूँ। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, चलो निकलो। बात सुनिए बहन जी। ओहो, तो यहाँ सिफारिश हुई है। दादी आपको क्या जरूरत थी इन लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने की? वैसे तो कोई सिफारिश लेकर आता है तो पुलिस वाले किसी को छोड़ते नहीं है, आज कैसे मन बदल गया इनका? जुबान मत चलाओ, चुपचाप गाड़ी में जाके बैठो, आधी रात हो गई है, घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे बाप रे, मुझे पुलिस की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ, चलिए दादी। भगवान, कैसी लड़की है तू। औरतों वाले एक भी नहीं, सारे मर्दों वाले गुण है इसके अंदर। बहुत कंफ्यूजन है सर, इसके लिए तो यही कहूंगा, मर्द को दर्द नहीं होता। तो एक काम करो, तुम उसे घर जाकर छोड़ के आ जाओ। फिर मुझे यहाँ छोड़ने कौन आएगा? अभी तुम जाओ ना स्वामी। जय भोले शंकर। बहुत सालों के बाद इस किनारे के उत्सव उस किनारे में रह रहे मैनन मामा मना रहे हैं, और इस उत्सव का समर्थन कर रहा है इंस्पेक्टर भानु प्रताप। राजनीति की भाषा में अगर बोले तो राजनीति की हवा उल्टी बहने लग गई है। लेकिन उस बहने वाली हवा को तूफानी हवा बनाना होगा। अब विश्वनाथ का दिमाग शक्ति में बदलने का तुम लोगों के बस की बात नहीं, उसे यहाँ आना होगा। अगर परितोष का हाथ पैर तोड़ने वाला वो इंस्पेक्टर और उसे अपाहिज बनाने वाला वो वेलू तलवार अगर आ जाए। लेकिन वो तो अंदर है ना? अंदर है तो फिर उसे बाहर लेके आओ, जरूर लाओ। अंदर के आदमी को बाहर लाके उससे अपना काम करवा के उसे वापस भेजना, यही राजनीति सूत्र है, मतलब की पॉलिटिकल प्ले। मैं ये कर लूंगा, एक खाकी वर्दी टोपी और चंद सितारे लगाकर ये समझा कि वेलू अभी अंदर है, इसलिए उसने चंद्र भाई को दबाया, और आज वेलू तलवार जेल के अंदर फंसा है तो वो उस मुर्गी वाली की वजह से। उस मुर्गी वाली का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, हमें सबसे पहले वेलू को छुड़ाना होगा, उसके निकलने के बाद ही हम अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद ही माधव पे लगा हुआ कलंक धुल पाएगा, फिर कहानी खत्म, पूरी कहानी खत्म। और उस पुलिस वाले ने मेरा मान बर्बाद किया, मेरा धन बर्बाद किया, और पूरे राज्य में हीरो बन गया। पुलिस डिपार्टमेंट का मान रखने वाला उस कमीने को मरना होगा, और साथ में उस एक पैर वाले को भी। उन दोनों के मरने के बाद उस उत्सव में शामिल हुए जितने भी पापी हैं वो सब भी मरेंगे, सब के सब मरेंगे, एक भी नहीं बचेगा, सब मरेंगे। हेलो। अरे प्यारे भाइयों, आप लोग शांत हो जाओ, सिर्फ पुराना गाना गाने को बोलोगे तो कैसे चलेगा, मैं नहीं गा सकता हूँ। अरे नए गाने गा सकता हूँ, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? समझेंगे, अगर तूने पुराना गाना नहीं गाया तो हम लोग तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। मेरी मर्जी कहीं और चलेगी, यहाँ नहीं, समझा? चल गा। क्या हो रहा है वहाँ पर, चलिए देखते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, देखिए देखिए, ये अच्छी बात नहीं है, प्लीज छोड़िए। अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए, चलो जाओ। तो ये बात है, देखो सिनेमैटिक डांस और फाइट एक साथ नहीं, बताओ तेरा प्रॉब्लम क्या है, चल बता जल्दी। सारी प्रॉब्लम का कारण यही है। मेरे प्यारे सर जी, अब देखिए ना, इन्हें चाहिए पुराना गाना, हम नहीं गा सकते क्योंकि हमने उसकी तैयारी नहीं की थी, हम आज के मस्ती वाला गाना गा सकते। हमें मस्ती वाला ही चाहिए। किसे चाहिए पुराना गाना, मस्ती वाला नया? वो सब नहीं चलेगा। अरे रुको, इतनी क्या जल्दी है। वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने हमारे 3-4 लोगों को यहाँ पर भेजा हुआ था, वो लोग कहाँ पर सो गए हैं क्या? स्वामी जय भोले शंकर। ओ अच्छा, तो ये बात है, उन्हें ऊपर लटका कर इस तरह से मस्ती कर रहे हो क्या? चलो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देता हूँ। चल तू बेचट। सर आप गाना भी गाते हो?
आपका गुरु कौन है? सब लोगों की जिंदगी जो कभी खत्म हो जाती है। मुझे कोई गुरु कहने के लिए इस शहर में कोई नहीं है। तुम लोग एक काम करो, इन लोगों को खुशी देने के लिए आराम से गाना गाते रहो और तकलीफ देने वाले इन लोगों को मैं मारता हूं। कैसे हो गया? इतनी पुलिस होने के बाद भी तुम लोग क्या कर रहे थे? कहाँ है इसमें? यस सर, ओके सर, मैं देखता हूँ। एक तरफ राजनीति वाले, दूसरी तरफ ये पत्रकार वाले, बीच में हमारा डिपार्टमेंट फंस गया है। आईजी का फोन था, उन्होंने एक घंटे के अंदर सारी डिटेल्स टेबल पे रखने के लिए बोला है। जो हुआ वो आम घटना नहीं है, वो कराई गई घटना है सर। जानता हूँ वो लोग अंधेरे में है, लेकिन रोशनी में तो हम खड़े हैं ना। जो भी घटना यहाँ पर हुई है उसके जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं ना। एक मिनट, हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। नमस्ते सर। इस शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? हम लोग सुख में हैं ये नहीं कह सकते, हम लोग दुख में हैं ये भी नहीं कह सकते, और इस घटना को किसने अंजाम दिया ये भी हम नहीं जानते। ये किसका काम हो सकता है? मैं और तुम ही नहीं, ये हर कोई जानना चाहता है। अब तो पूछो। पूरी बॉडी जल गई है सर। इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए हैं क्या? पोस्टमार्टम खत्म होती ही बॉडी को उनके रिश्तेदारों को देने के लिए बोलो। ठीक है सर। ओह, बहुत खुशी हुई। देखो, उत्सव मनाने वाले लोग भी आए हैं। मरने वालों की कुंडली जानने के लिए आए हैं क्या? मामा भी है और दामाद भी। इस तरह की घटना होगी ये जानने की वजह से ही मैंने ये उत्सव मनाने के लिए इनको मना किया था, लेकिन ये लोग तो सीना तान कर उत्सव मनाने के लिए उतावले हो रहे थे। अब क्या हुआ है? हमारा विरोध करके इस गांव के सभी लोगों को इन लोगों ने ऊपर पहुंचा दिया। ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम किया। उन बेचारे मासूम लोगों को वक्त से पहले ही ऊपर भेज दिया। तुम्हारे पिताजी ने तो उत्सव के दिन सिर्फ एक को ही मारा था, लेकिन इन्हें देखो, पुलिस की वर्दी पहना हुआ सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप, राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी बेइज्जती। ध्यान रखो कहीं नौकरी ना चली जाए। ये सितारे निकलवा के हाथ में कटोरा पकड़ा के पूरे राज्य में घुमाऊंगा, समझ में आया कि नहीं? ये मेरा वादा है, ये एमएलए विश्वनाथ का वादा है, याद रखना। ये सबके सामने मैं वादा करता हूँ, तेरे हाथ में मैं कटोरा पकड़ाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए मासूमों को मार कर उसका जिम्मेदार जो मुझे ठहराने की हिम्मत करेगा और मेरे हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरा देगा। छोड़ो मुझे। क्या मेरे ही एरिया के अंदर तुम मेरे ही लोगों के सामने मेरे सीने पे लात मारिए ना? इसे छोड़ूंगा नहीं मैं, तुम सब देखना। इस कमीने को काट काट के
टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं हूं पागल, छोड़ूंगा नहीं तुझे। जाओ तो बेटा उसे, उसे ऊपर वाला सजा दे देगा। तू कुछ मत कर। नहीं, इसने मासूम लोगों के आंसू बहाए हैं और उसका हिसाब किताब मैं इससे जरूर लूंगा। छोड़ दे मुझे। अगर तुमने इसके आगे एक भी कदम बढ़ाया ना तो मैं गोली चला दूंगा। सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप के दिन दहाड़े दादागिरी। ऐसी बातें मीडिया वाले उछाल रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, लेकिन तुम नहीं सुधरे। वहां पर मीडिया वालों के सामने तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाने की क्या जरूरत थी? बताओ मुझे, एमएलए को मारने की कोशिश की तुमने और ऊपर से तुम्हारे पिताजी का क्रिमिनल बैकग्राउंड, अब खुशी मिल गई तुम्हें? अगर वहीं उसे खत्म कर देता तो खुश हो जाता। इसका मतलब तुम सुधरने वाले नहीं हो। उसकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं मरने के डर से नहीं रुका, मुझे गन दिखाने वाले आप थे और इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए मैं ये यूनिफॉर्म पहनकर किसी को भी दिल से कभी सैल्यूट नहीं करता सर, सिर्फ आपको करता हूँ। तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ। मेरी बात सुनो, दुनिया में हमेशा हर जगह लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन दिमाग से काम लेना चाहिए। वो लोग राजनीति का खेल खेलते हैं, अनजान बनना पड़ता है। अगर हमने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो वो लोग जनता में जाके यही बोलेंगे कि हम उनसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सिर्फ इतना करने पे ही वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। जरूरत पड़ी तो वो हमें मरवा भी देंगे। इसीलिए हम जो भी कदम उठाते हैं हमें उसे बड़ा ही सोच समझ के उठाना पड़ता है, समझे तुम? ना कि जज्बात में। हथियार लेकर हिफाजत कर रहे हो, इसे क्या राजमहल समझ रखा है? चल हट, देख क्या रहे हो, जाओ सबको। अरे वो पुलिस वाला कहाँ है? उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। आ गया वो, जरूर आएगा। इन सबको मारो, बुलाओ उसको। चलो सब चलो। हे भगवान हमें बचाओ। तूने तो सोचा भी नहीं होगा, मैं हूं बेलू भाई, बेलू तलवार। तू तो मेरा इतिहास जानता है ना? उस इंस्पेक्टर के हाथ पैर मैंने ही तोड़े थे, अब तुम्हें ही उसे बताना है कि मैं कौन हूं। और अगर तूने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अब इस इंस्पेक्टर के भी हाथ पैर तोड़ दूंगा। ऐसे ही हाथ पहनने की नौबत उसकी भी आ जाएगी, ये उसे बता देना। और हाँ, ये भी बोलना, इस बेलू से वो न टकराए, जिस रास्ते से वो यहाँ आया है उसी रास्ते से वापस चला जाए। दीदी ये खाना खा लो। नहीं चाहिए मुझे। खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने कहा ना नहीं चाहिए, मेरे सामने खड़ा मत रहे, मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल जा यहाँ से। इधर दे। अब उठ भी जा बेबी, बेलू तलवार आया है। तू उठकर ये रोटी खा ले। मुझे देखते ही तुझे तो सब कुछ याद आ गया होगा, है ना? हम दोनों पहले भी मिले हैं, तुम्हारी गवाही की वजह से ही मैं अंदर गया था, लेकिन मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे मारने नहीं आया हूं, तुझसे मुझे बात करनी है। डर मत, मैं कोई शेर नहीं हूं जो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा।
पहले तो मैं तेरी माँ के पास आया था, लेकिन उसे पता चल गया था कि मैं उसे जान से मारने वाला हूं। मरना उसकी किस्मत में था और उसे मारना मेरी किस्मत में है। उस दिन तुमने मेरे खिलाफ बोला था, तुमने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी और मैं जेल में चला गया। अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया, लेकिन एक बात और है, इस भेलू भाई से बदला लेने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। अब ये भेलू भाई बुढ़ा हो गया है, सुधर गया है, ऐसा मत सोचना तुम, क्योंकि सुधरने की उम्र तुम्हारी है। अंधेरे में खड़ा होकर ये भेलू सिर्फ जब एक बीड़ी पीकर फेंका था तो न जाने कितने लोगों की जान चली गई थी, और उन लोगों में तुम्हारी दादी भी थी। उनके जाने के बाद भी तुमने यह जगह नहीं छोड़ी, तो शायद बदला लेने के लिए मेरे बाहर आने का इंतजार कर रही थी, और यह समझने की भूल नहीं करना कि वो पुलिस वाला तेरा साथ देगा। अब तो वो पुलिस वाला भी मरेगा। सुन, सुबह होने से पहले ही तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और इस गांव को छोड़ दे। नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अगर मैं गई तो तू भी जाएगा, और अगर मैं मरी तो तू भी मरेगा। कौन कमीना आया था यहां पर, बताओ। कोई तो आया था, सब कुछ तोड़ के चला गया, बस इतना ही जानता हूँ सर। वो कौन है, कहाँ से आया है, इस बारे में मत पूछिए सर। मेरी दो बेटियाँ हैं, मैं शांति से जिंदगी जीना चाहता हूँ सर। किस कमीने ने यहाँ पर आकर ऐसी गंदी हरकत की है, उसका नाम बताओगे तो तुम्हारी नाक कट जाएगी, इस बात से डरते हो? अगर मेरे अंदर कोई डर होता तो मैं आपके साथ इस गांव में कभी नहीं आता सर। जो यहाँ आया था और कोई नहीं, वो वेलू तलवार और वो लोग थे जिन्होंने हमें जूठा खाने के लिए कहा था। उन्होंने धमकी दी है कि हम अपनी टोपी और वर्दी उतार कर यहां से वापस चले जाएं। ओहो, ऐसी ऑर्डर देने के लिए अगर वो आया है तो उसका सामना करके ही मैं बाकी के काम करूंगा। मैं आपको रुकने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब आप बच्चे थे तब उस वक्त वो आपको मार रहा था, मैं आंसू बहा रहा था, ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैं उसे मारने के लिए रोक नहीं रहा हूं। उसने आपके पिताजी का पैर तोड़ा था ना, अब उसे पता चलना चाहिए। उसे इतनी आसान सजा मत दीजिए सर, उसे यहीं पर लाकर सबक सिखाना होगा सर। हेलो, हमारे प्यारे सर, हम सब गांव वाले हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाए, तब वो यहाँ से वापस गया है सर। लेकिन वो यहाँ से चला गया है, ऐसा मत समझना यार भाई, उसके स्वभाव को हम भली भांति से जानते हैं। वो दिन रात बिल्कुल नहीं देखेगा, अभी रात होने से पहले ये नहीं जाएगी तो वो इसे नहीं छोड़ेगा। सर, जब आप यहाँ पर आए तो हमने खुशी से तालियां बजाई, लेकिन अब क्या फायदा सर, अब तो वो खतरनाक बेलू भी यहाँ पर आ गया है। पहले तो उसके साथ उसे बचाने के लिए उसकी दादी थी, समझ में नहीं आ रहा अब उसे कौन बचाएगा। हम लोगों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो हमारी बात नहीं मानी, हम क्या कर सकते थे।
चलो। कहाँ जाना है? वही बताने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ये इंस्पेक्टर भानु प्रताप नहीं, सिर्फ भानु प्रताप है। नहीं, सब कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊं, पर मैं यहां से नहीं जाऊंगी। फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं या राख हो जाऊं। चाहो तो मर जाओ, लेकिन यहां नहीं। इस पापी जिंदगी का हिसाब अगर तुम्हें लेना है तो जन्म देने वाले से ले लो। तलवार वेलू की जो ताकत है उसके तलवार में नहीं है, बल्कि उसे यहाँ भेजने वालों से है। हम उनसे हिसाब लेंगे। चलो मेरे साथ, चलो। नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। मेरे पास खाने का कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। चंदर भाई के घर में कोई है तो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ। हाँ, मैं आ गया। यहाँ के लोगों को डराने और उन पर राज करने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ। राज करने के लिए पैदा हुआ बड़ा आदमी अपनी बेईमानी से कमाया हुआ पैसा जमा करते वक्त ये भी भूल गया था कि एक बीज कितना बड़ा पेड़ बन सकता है। आप जैसे लालची लोगों के पास थोड़ा सा वक्त भी होता है क्या कि जिंदगी को झांक कर एक बार देख लिया जाए? मैं दिखाता हूँ मैं किसको लाया हूँ। ये देखो, कुछ साल पहले आपने मजे किए थे ना, तो उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। इसे मारने तलवार वेलू खुद नहीं गया, इसे पैदा करने वाले ने भेजा। बहुत पुरानी कहावत है कि मार खाने से पाप मिट जाता है। वो माधव मेनन तुम्हारा मान सम्मान बचाना चाहता था, इसलिए इसे मैं यहाँ पर लाया हूँ। इसे संभालो तो शायद तुम्हारा पाप मिट जाएगा। संभालो, अच्छी तरह से संभालो, और अगर हो सके तो इस पर रहम करो। आखिर में ये चंद्र भाई का बड़ा बेटा आग में जलकर ऊपर चला जाए तो वहाँ अपना सर झुकाकर नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके अभी पुण्य कमा लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो काट कर फेंक दूंगा। बंद कर अपना बकवास। अगर हमारे घर में घुस कर हमारी बेइज्जती की तो गोलियों से भून दूंगा मैं तुझे। पहले तो मैं इसको मैं अकेले भाग दौड़ करके जी रहा हूँ और तू मेरे सीने में गोली मारेगा? इसे बंदूक से तेरा सर छलनी कर दूंगा। मेरे सामने बोलने की हिम्मत करना भी मत, वरना आइंदा बोलने के लायक नहीं बचेगा। तूने जितना खाया है एक घूसे में तेरी सारी जान निकाल दूंगा और तेरे आने वाले वंश को भी पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। मेरी मार खाने के बाद तू बच्चा पैदा करने के लायक नहीं बचेगा, समझा? फिर चाहे दुनिया में कुछ भी कोशिश कर ले, तेरा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। अच्छा, इसको छोड़ दूं? लेके जाओ अपने इस बच्चे को घर में। उठिए, उठिए, ये क्या? सुन लो, तुम सब लोग घटिया हो, और चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाओ घटिया ही रहोगे, लेकिन मुझसे टकराने की कभी हिम्मत मत करना, समझे? चलो अब जाओ यहाँ से। अपनी ये ताकत कहीं और दिखाना, नहीं तो तेरी उम्र कम हो जाएगी। धमकी दे रहे हो? ये गीदड़ धमकियां मैं पहले भी बहुत सुन चुका हूँ, समझे? और उन सब से कैसे निपटना है ये पता है मुझे। मैं एक निडर बाप का बेटा हूँ, अपने बाप की जान बचाने के लिए तुम्हारे पैरों पर गिरा था, लेकिन मुझे लात मार के तुम लोगों ने मेरा अपमान किया और अपने आदमियों से एक बात कही कि इसे गड्ढा खोद कर कहीं गाड़ दो। किसी पर भी रहम नहीं किया। मेरी माँ की आंखों में आंसू, मैं बचपन से देखने का आदी हो चुका हूँ। 10 साल की उम्र में ही गड्ढा खोद कर बाप को दफनाया है मैंने। उस वक्त बारिश होने की वजह से मैं ठंड से कांप रहा था, मगर फिर भी मैं अड़ा रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि अंदर आग जल रही थी और जितना भी पानी डालोगे वो बुझेगी नहीं, और वही आग आज भी मेरे अंदर वैसी की वैसी ही है। तुम लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाकर गांव के मासूम लोगों को मारकर मुझसे जीतने की कोशिश की थी, मैं जानता हूं, लेकिन अब नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये भानु प्रताप पुलिस की वर्दी के बिना ही आएगा और अपनी ताकत दिखा देगा। मुझसे टकराना मत, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये बात भूलना मत। और एक बात बताता हूँ, ये मेरे घर पे ही रहेगी, और इस लड़की के जिंदगी में कभी दखल देने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं ले जा रहा हूँ अभी से अपने साथ।
और एक बात सुन लो, इसे भी सिखा देना कि जरा काबू में रहना सीख ले, वरना कहीं ये मेरा हाथ उड़ गया तो इसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। फिर चाहे कुछ भी हो, कोई भी अंजाम भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। चंदर भाई, तुम शायद जानते नहीं हो, इसलिए आपको सिखा दे रहा हूँ मैं। भारत में महाराज मतलब तुम्हारे बाप की कोई जागीर नहीं बची, अब तो सारी जागीर सिर्फ सरकार की है। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी पत्नी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जाने अनजाने में आपसे जो भी गलती हो गई, उसके लिए मैं भगवान के सामने बहुत रोई हूं। सुनिए जी, आज उस लड़की के आंसू हमारी घर की डेलीज पर पड़े। इसका प्रायश्चित करने के लिए सारी उम्र लग जाए तब भी कम है। पैसा जायदाद किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन इन पैसों को खर्च करने के लिए भगवान ने हमें औलाद नहीं दी। उस लड़की के आंसुओं की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। सुनिए जी, उस लड़की का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी हिफाजत तो पिता होने के नाते आपको ही करनी होगी। चल बेटा, कुछ खा ले। इस तरह दूसरों की सजा खुद को क्यों दे रही है? आजा, आजा थोड़ा सा खा ले। चिकन 65, चिकन 45 ये सब कहकर चिकन की वैरायटी बनाने के लिए मैं किसी चिकन शॉप में काम करने वाला नहीं हूँ। मैंने बस अपने मन से एक सब्जी, कुछ रोटियां और एक पापड़ बनाया है। ये इस भानु प्रताप का स्पेशल है। और नारियल, प्याज, लहसुन, मिर्चा मिलाकर उसकी बुक्की करके उसमें नींबू निचोड़कर अच्छे से, फिर मसल कर ऐसे कट करके, फिर बढ़िया से इस तरह हिलाकर अच्छे से खा लेता हूं। मैंने खाना बनाकर रखा है, तुम लोग जाकर खा लो। जाओ। चल बेटा, मुझे भूख नहीं है। ये डायलॉग मुझे बचपन से पता है, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों की भी फिक्र करनी चाहिए। जरा अपनी माँ को देखो। बचपन में मैं बहुत भूखे पेट रहा हूँ। गाना गाकर मुझे जो भी पैसे मिलते थे, उससे मैं सब्जी चावल लाकर माँ को दे देता, तो माँ कहती मुझे भूख नहीं है। माँ सोचती थी कि इसने बाप की तरह ही गुंडागर्दी करके पैसा लाया है, लेकिन सच तो मैं ही जानता था। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि हमने आखिर गलती क्या की थी? गुंडे परितोष का बेटा बस गुंडा ही बनना चाहिए, यही गांव वाले चाहते थे। एक मिनट में गलत रास्ते पर गई माँ की बेटी, गलत रास्ते पर ही जाए ऐसा गांव वाले चाहते थे, लेकिन उसके लिए तुम और मैं तैयार नहीं हुए, तो ऊपर वाले ने हमें एक अच्छी जगह पर लाकर बिठा दिया, ये समझ लो। ज्यादा सोचो मत, भूखे रहकर दुख नहीं मिटा सकते, उससे कोई फायदा नहीं होगा। खाना नहीं खाना है तो मत खाओ। मैं कम इन सर। यस कम इन सर। किसी अर्जेंट काम से बुलाया है? हाँ बैठो। हम जैसे पुलिस वालों को जिम्मेदारी के साथ दिन रात ड्यूटी करनी पड़ती है, और हमें चैन से सोने के लिए वक्त भी नहीं मिल पाता है। हाँ अब बात यह है कि तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है, इसलिए एक लंबी छुट्टी लो और आराम करो।
मैंने ही तुम्हें प्रमोट किया था, यह बात जब उन्हें पता चली तो उन लोगों ने मुझे वहां पे बुलाया और उनकी चमचागिरी कामयाब हो गई और उसका परिणाम हमें ये मिला है। मुझे खुशी है, मुझे पहले से ही पता था, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा होगा ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे बहुत खुशी है सर। मैंने पहले ही कहा था ये यूनिफॉर्म पहनकर आपको दिल से सैल्यूट करने के पीछे एक रीजन था, अभी भी वही रीजन है, लेकिन मेरी आंखों में आंसू हैं, दुख हो रहा है। भानु प्रताप, तुम मेरे जूनियर ऑफिसर नहीं हो, मेरे भाई हो। यह तुम्हारे लिए पहली सजा है। मेरी इतने सालों की सर्विस में इससे भी बड़ी बड़ी सजाएं मैं भुगत चुका हूं और ये सजाएं उन चमचों के द्वारा मिली। मैं अपने आंसुओं को अपनी आंखों में दबाकर उन चमचों के सामने मैंने सल्यूट मारा। मुझे आज भी वो सब याद है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं ये सजा तुम्हें ज्यादा दिन नहीं भुगतने दूंगा। तुम जाओ। हेलो। शेखर सर, बहुत बुरा हो रहा है सर। ये देश आगे बढ़ ही नहीं रहा है कुछ कमीनों की वजह से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुलिस डिपार्टमेंट का रखवाला जिसकी बेइज्जती हो चुकी। तो कहाँ गई तुम्हारी टोपी और खाकी वर्दी? बड़े लोगों ने तुमसे छीन ली ना। अब सितारे देखने के लिए कंधे नहीं बल्कि तुम्हें आसमान देखना होगा, और इसी वजह से मैं आज तुम्हें एक तोहफा देने आया हूँ। ऐसे ही एक मैदान में तुम्हारे खेल की शुरुआत हुई थी और आज उसका अंत इसी मैदान में होगा। रखो। तूने जो मुझे लात मारी थी ना, असल में वो तेरी मर्जी नहीं थी, वो करने के लिए मैंने ही मजबूर किया था। और तुम आज जो यहाँ पर खड़े हो वो सब मेरे ही द्वारा खेला हुआ राजनीति का एक षड्यंत्र है। सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप, इस मिट्टी में जब तुमने कदम रखा और पूरे गांव वालों के सामने तुमने मेरी छाती पर लात मारी, उसी दिन से ये खेल शुरू हो गया था। खेल आधा रह गया था, आज वो खेल पूरा करने का मौका मिला है। अब शुरू होता है खेल का सेकंड हाफ।
फर्स्ट हाफ में जो दिखाया था वो सब तुम भूल गए। किसी अच्छे मर्द को लेकर आओ, उसके बाद सेकंड हाफ खेलेंगे। मैं हूं शरफ, शरफुद्दीन, इस पुलिस स्टेशन का नया एसआई। जब तक तेरे शरीर पर ये टोपी और खाकी वर्दी रहेगी तो तू किसी को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। अगर पहचान करने के लिए बुलाया है तो वो यहाँ नहीं, ये लॉकअप है। कमीना कहीं का, आधी रात में 20 सड़क पर गुंडागर्दी करने वाले तुम जैसे गुंडे के साथ पहचान करने के लिए इस लॉकअप में नहीं तो राज्यसभा में बात करूंगा। राज्यसभा के ऑर्डर के हिसाब से सर का आना और आपका ये गुस्सा मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। इस यूनिफॉर्म की यह भानु प्रताप इज्जत करता है, चाहे वो कोई भी शरफुद्दीन पहने, इसलिए यहाँ पर कोई गले मिलने वाला खेल नहीं चलेगा। दुनिया में मर्द मर्द मिलने से बच्चा होता है, ऐसा किसी इतिहास में नहीं लिखा है। आज मैं तुझे बताता हूँ। रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, मेरी बात सुनिए। हम सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं सर। बिल्कुल सर, हम सभी लोग इनको सैल्यूट करते हैं सर। अगर तुम्हें वो बहुत ज्यादा पसंद है तो तुम भी जाओ उसके पास। तू उसे कैसे इज्जत देता है यह मैं भी देखता हूँ। एमएलए और मंत्री जी को तुम लोग समझते क्या, बताओ। उनकी सही पहचान क्या है यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है तुम यहाँ जो कुछ कर रहे हो वो कुछ ज्यादा ही हो गया है, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब तुम उनके कहने पे ही कर रहे हो। शराफुद्दीन, पुलिस स्टेशन के लॉकअप के अंदर किसी पुलिस वालों को नहीं मारते हैं। और एक बार, उन चमचों की चमचागिरी करने के लिए सरकार की तरफ से हमें यह पट्टा मिला है क्या? हाँ, वो चमचे अपनी ताकत दिखाने के लिए भरे बाजार में वो लोग बेचारी भोली भाली लड़कियों की इज्जत लूट लेते हैं, ये तुम नहीं जानते हो क्या? वैसे इन सब से तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। और मैं यहाँ का एसपी हूँ, और शायद पोजीशन के हिसाब से मैं तुमसे बड़ा भी हूँ। और हमारे डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है कि बड़े ऑफिसर की इज्जत करनी चाहिए। अगर याद ना हो तो याद दिलाऊं क्या? सैल्यूट मार जल्दी। वर्दी की गर्मी दिखा रहा है, चलो। वो टकला 2 कौड़ी का एसपी अपने आप को बड़ा कहकर तुमसे सैल्यूट मरवाया उसने। तुम्हें इस बात का बदला उससे नहीं चाहिए क्या शरफुद्दीन? हाँ चाहिए। हाँ, तो फिर इसके लिए तुम्हें आईपीएस होना चाहिए। पावर, पोजीशन, जो कि यहाँ है, और पैसा, जो व्हाइट से ब्लैक और ब्लैक से व्हाइट करते हैं ना, वो हमारे पास बहुत है। तुम्हारे अब्बा गांव-गांव में घूमकर नारियल बेचा करते थे, और इसी वजह से आज मैं तुमको गांव से उठा के यहाँ लाके पुलिस वाला बनाया हूँ। और उस दिन जब उसने सबके सामने मेरे सीने पे लात मारी, उस दिन से लेके आज तक मैं ठीक से नहीं सो पाया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। उससे तो मैं किसी भी हाल में बदला लेकर ही रहूंगा, लेकिन मेरे सीने पे जो उसकी लात पड़ी है वो दर्द नहीं भूलूंगा। उसके निशान तो मेरे सीने से मरते दम तक नहीं मिटेंगे। आज मैं विश्वनाथ ये वचन देता हूं, किसी भी तरह से मैं अपना बदला जरूर लूंगा। वैसे देखा जाए तो उस लड़की के सगे में खड़ा होकर वो उस लड़की का रिश्तेदार बनके उसकी रक्षा कर रहा है ना। ये चंदर का घर चंदर के भाई के चेहरे में अगर उन्हें मंजूर है तो ये विश्वनाथ साधु के वस्त्र पहनकर काशी जाएगा। तो क्या कहते हो वेलू, मुझे बदला लेना चाहिए? आप बस हुक्म कीजिए भाई। बदला लेने का मतलब पूरी तरह से समाप्त करना, पूरी जड़ से। उसे समाप्त करने का तो हुक्म दे रहा है, तू ऐसा ही कुछ करेगा, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता थी। आज भी चंद्र भाई का बनाया हुआ नियम सबसे आगे है, और इस नियम का पालन करने वाले भी आप ही हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि आप तो मेरे पहले गुरु हैं। तो अब गुरु शिष्य को समझाएगा। विश्वनाथ, हम और तुम कई सालों से इस रास्ते पर चलते आए हैं, और अब वापस लौटने के लिए ये एक जन्म कम पड़ेगा। हमने बहुत सारे नरबलि दिए हैं, अब वो सब कुछ याद करके हमें अपने पाप को और नहीं बढ़ाना है।
सुनो, एक इंसान अपनी उम्र के 40 साल तक तो कुछ भी कर सकता है, चाहे लड़की हो, सिगरेट हो, शराब हो, उसका शरीर सब कुछ सह सकता है, लेकिन 40 साल के बाद शरीर नहीं सह पाता है। शुगर होगा, बीपी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कैंसर होगा, लेकिन इन सब के लिए दवाई है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सुबह 45 मिनट चलो तो वो काफी है, लेकिन दिल ऐसा नहीं होता है। उसमें बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 45 मिनट नहीं, अगर 30 साल भी चलोगे तो ठीक नहीं होगा। यह बात मैं जान गया हूं, इसीलिए अब चलने लगा हूं। मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं अपनी बेटी की वजह से। अगर इसी वजह से तुम साधु का वस्त्र पहनकर काशी जाने के लिए अगर तैयार हो जाओगे तो इस गुरु के लिए एक सही शिष्य साबित होगे। अरे वेलू, तुझे यहां बुलाकर लोगों को मार पीट का रास्ता दिखाने वाला सिर्फ मैं ही हूं। अब तू जहां से आया है सीधे वहां लौट जा, आज ही। दरवाजा खुला ही है गौरी, ये तकलीफ ना हो इसलिए तो दरवाजा खुला रखा था, पर उठना ही पड़ेगा। चैन से इंसान बैठकर किताब भी नहीं पढ़ सकता। कौन है? हे भगवान, माधव भैया। हम लोग बहुत साल बाद मिल रहे हैं ना, लेकिन तुम हो तो मेरी ही खून, मेरी बहन हो, लेकिन मैं पुरानी सारी बातें भूलकर तुम्हारे पास आ गया। इस वक्त जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो पुराना माधव नहीं, सुधरा हुआ माधव है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आए। मैंने हजारों बार सोचा कि आपसे मिलने आपके घर आऊं, लेकिन ये सोचकर कि कहीं आप मुझे फिर से वापस ना भेजते तो मैं सब बर्बाद हो गया था, इसलिए गांव छोड़कर गई थी, पर मन माना ही नहीं इसलिए अपने गांव वापस आ गई। लेकिन मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। अगर मेरे बेटे ने कुछ किया है तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे बेटे की गलती नहीं है, इन सारी की सारी गलतियों की वजह मैं ही हूं। मैं अहंकार में जी रहा था इसीलिए तुम लोगों पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मुझे समझा दिया। तुम्हारे पास मेरी बेटी है और अब मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। हे भगवान, लेकिन वो तो घर में नहीं है। हाँ, आए तो कह देना उससे मिलने के लिए उसका बाप आया था। बेटी, एक बाप अपनी बेटी से मिलने आया है। कौन सा बाप और कौन सी बेटी? जानता हूं, मुझे पता था तुम नहीं मानोगी। अपने घमंड और अहंकार से अंधा होकर तुम्हें भूल गया था, लेकिन अब मैं सुधर गया हूं। अब इस उम्र में मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। बेटी देख, इस बूढ़े पर तरस खाकर तू मेरी बात मान ले। अब ये बाप बूढ़ा हो चुका है, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। बेटी इस बूढ़े बाप को माफ कर दे। माफ कर दूँ?
जरूरत पड़ने पर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान हैं आप तो धोखेबाज हैं। बेटी, अभी इस उम्र में मैं किसी के सामने जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर हारना चाहता हूँ। अगर मेरी बेटी चाहे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझ पर तरस खा बेटी, और अब इस बूढ़े बाप के साथ चल, पुरानी सारी बातें भूल जा। नहीं, इस धरती पर हर बच्चा आंसू बहाते हुए पैदा होता है, पर उसके आंसू पोंछने के लिए उसका बाप होता है, उसे लोरी सुनाने के लिए उसकी माँ होती है। वैसे तो मेरे पास भी माँ थी, लेकिन मैंने उस माँ की आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं देखा। 8 साल की उम्र में मैंने उनकी चिल्लाने की आवाज सुनी, पर वो चिल्ला नहीं रही थी, वो तो उनके प्राण निकलने की आवाज थी। उस दिन से मेरे आंसू सूख गए, मैंने अकेले जीना सीख लिया। जब भी कोई मेरी माँ को धोखेबाज कहता है तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब देती हूँ, लेकिन आज जो मेरे सामने खड़ा है वो तो सबसे बड़ा धोखेबाज है। यहाँ से चले जाओगे तो बेहतर होगा। अगर मेरे पैर भी पकड़ लो और सारी उम्र मेरे सामने गिड़गिड़ाते भी रहोगे तो भी ये गौरी माफ नहीं करेगी। आ जाते हैं झूठे आंसू बहाते हुए। मेरी बेटी, आज जाकर इनका बाप का प्यार जगा है, जो यहाँ आकर इतना ड्रामा कर रहे हैं। लक्ष्मी माँ जी, ये जल्दी सो गई क्या आज? जानती थी कितनी नींद आती है इन्हें। अभी चिकन बनाकर ले आऊंगी तो खुशबू से उठ जाएंगी। चलो अब ये दवाई देकर ठीक करती हूँ, इसकी खुशबू से उठाती हूँ। पता है, आया था वो बड़ा आदमी अपनी बेटी को साथ ले जाने के लिए। हाँ, ये सब सुनकर भी आप सोए जा रही हैं? उठिए ना लक्ष्मी माँ जी। माँ जी, लक्ष्मी माँ जी, लक्ष्मी माँ जी, माँ जी, हे भगवान। माँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे सस्पेंशन ऑर्डर्स कैंसिल करने की खुशी में एसपी सर ने एक छोटी सी पार्टी दी थी, तो मैंने उसमें 2 पैक पी लिए हैं। तो अब इसके लिए क्या माँ मुझसे बात नहीं करेगी, मुझसे रूठ जाएगी? क्यों रो रही हो? अरे क्यों रो रही हो? माँ जी, लक्ष्मी माँ, ये क्या हो गया? ऊपर वाले ने बुला लिया तो तुम मुझे बिना बताए चली गई? लक्ष्मी माँ, क्या है ये? क्या हो गया? गौरी, गौरी, इनसे कहो उठने के लिए, हमसे बात करने को कहो। अब तो सारे दुख खत्म हो गए थे। मुझे नहीं पता, पर जब मैं आ रही थी तब चंदू का भाई, मेरी माँ को तूने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुंडागर्दी करने वाले पुलिस का देखो क्या नसीब है, तुझे उठाने के बाद लॉकअप में डालकर 2 लात क्या मारी, तो वहां पहुंचकर मुझसे सैल्यूट मरवाने वाला और तुझे बचा कर ले जाने वाला इस वक्त कहां है? बता, इस वक्त अगर तू उसे बुलाएगा या भगवान को बुलाएगा तो भी तू नहीं बचेगा।
आज इस शरफुद्दीन के हाथों से मरना ही तेरा नसीब है। शरफुद्दीन, उसे इसी तरह से मत मारो। इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाली सजा दो। हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए कोई खतरनाक सजा भी तो नहीं बनी है। क्या हाल हो गया तुम्हारा? तुमने मेरे रास्ते पे आके अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनने शुरू कर दिए, पर आज जो तुम्हारा ये हाल हुआ है ना, इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुम्हारी माँ कोई साधारण मौत नहीं मरी थी, उसे मारा गया था। और अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये बात तुम्हें तो नहीं पता, पर मुझे कैसे पता? उसे मारने वाले का तुमने आधे रास्ते तक पीछा किया था, फिर तुमने आधे रास्ते में जाके क्या देखा? चंदर के भाई माधव मेनन की लाश, याद है कि नहीं? अब ये गांव वालों को सोचना होगा कि उस माधव का FIR कौन बनाएगा। लेकिन इस भीड़ में बच जाती है एक लड़की, गौरी। सही वक्त देख के उसे भी मरवा दूंगा। विश्वनाथ ने भी क्या खेल खेलाया। और ये खेल खेलने का हुक्म विश्वनाथ देगा, लेकिन ये खेल खेलेगा खिलाड़ियों का सबसे बड़ा खिलाड़ी, वो भी तुम्हारी मौत से पहले। तुम चाहो तो मैं उसे अभी यहाँ तुम्हारे सामने बुला सकता हूँ। वेलो तलवार। लेकिन एक बात तो है, चंदर के भाई माधव का और तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार दोनों का एक साथ होगा, कितना मजेदार होगा। और उसके बाद चंदन की लकड़ी से उन्हें जलाया जाएगा। तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से उन्हें चंदन की लकड़ी से जलाया जाएगा। वैसे अंतिम संस्कार का नियम तो यह कहता है कि साधारण लकड़ी से जलाओ, लेकिन मैं चंदन से जलवाऊंगा। लोग कहते हैं कि मरे हुए लोगों के मुंह में पानी डालने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अब तुम भी मरने वाले हो तो ये काम मैं ही कर देता हूँ। फिर बाद में मत कहना कि विश्वनाथ ने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। मेरे पास पानी तो नहीं, पर अमृत से भरा गिलास है। इस गांव से बेइज्जत होकर चली गई थी बेचारी, अब विश्वनाथ ही इनका अंतिम संस्कार कर रहा है। यही तो इंसानियत है। वो कहां है कुछ पता चला? सुबह तक उन्हें ढूंढा, लेकिन वो कहां है कुछ पता नहीं चला। बिनन भाई, भानु प्रताप जी आ गए। आने में बहुत देर कर दी इसने।
सब काम खत्म होने के बाद आया है तू प्यारा बेटा? यही है, यही वो शख्स है जिसकी वजह से आज ये दोनों चिताएं यहाँ पर चल रही है। बेटे की हरकतों की वजह से माँ ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इसने उसका बदला लेने के लिए मेरे बेगुनाह भाई को मार डाला। विश्वनाथ, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमें ये विश्वास नहीं है। इस विश्वनाथ को विश्वास दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिए तुम यहाँ पे अंतिम संस्कार का नाटक करने के लिए आए हो। अगर इसी चिता में मैंने आज तुम्हें जिंदा नहीं जलाया तो मेरा नाम भी विश्वनाथ नहीं, वेलु तलवार। चल हट। तू विश्वनाथ, कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, अगर मैं आज ये काम नहीं करूंगा तो मेरे भाई की आत्मा मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वेणु तलवार, मार डाल इस कमीने को। चलिए सर, सर चलिए। बेटा भानु प्रताप, तुम चले जाओ यहां से। क्या बात है, जैसा मैंने सोचा था तू वैसा नहीं है। अब तेरे सामने ये बेलू खड़ा है तुझे खत्म करने के लिए। Yes!
इस मिट्टी में गुंडागर्दी का बीज जिसने बोया उस बाप का बेटा हूँ मैं। अगर तुम मुझसे टकराएगा तो जान से मार दूंगा। अरे तेरा जीना हराम कर दूंगा, जीने नहीं दूंगा तुझे। तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मेरी बात सुन, ये बेलू ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता है। मैं तेरे बाप से तो जीत गया था लेकिन आज तुझसे हार गया मैं। या तो ये बेलू जीत सकता है या फिर मर सकता है। चल मार, चल मार मुझे। नहीं, तुझे नरक की जिंदगी जीनी होगी। जीतने और पद हासिल करने के लिए खुद के भाई को भी तूने मरवा दिया कमीने। भानु प्रताप रुक जाओ। अबे चुप। तेरे पापों को माफ करने के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूं, काल हूं। अबे तेरी पूर्व जन्म के पापों को इंसान अपने कर्मों में धोता है, इसलिए जरा देख आगे खोलकर। गुंडे परितोष का बेटा यहाँ पुलिस बनकर आया है लेकिन तू अपने कर्मों से तूने मुझे बदल दिया और अब मैं पुलिस नहीं हूँ, गुंडा बन गया हूँ। और आज मैं ये कसम खाता हूँ कि तुझ जैसे गुंडे को मिटा कर रहूंगा, जला दूंगा तुझे। हमने ये यूनिफॉर्म किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे सुधारने के लिए पहनी है। क्या करूं सर, लेकिन ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते हैं। वहां पर देख, लावारिस की तरह मैं और मेरी माँ भटकते रहे। मैं मेरी माँ की चिता में आग नहीं लगा पाया, इसकी वजह से मैं एक अभागा बेटा बन गया। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, इसलिए मैं कसम खाता हूँ इस चिता के बुझने से पहले मैं इसे जला दूंगा। रुक जाओ भानु, पागल हो गए क्या? रुक जाओ, ऐसा हट कुछ नहीं करोगे। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसे तो मैं आग लगा कर ही रहूंगा, इसे जीने का कोई हक नहीं है। रुक जाओ भानु, पागल मत बनो, रुक जाओ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। बहुत बड़ी गलती की है तूने। जो गलती की है उसका अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी विश्वनाथ नहीं, एक ही झटके में तुझे खत्म कर दूंगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने तेरी माँ और अपने भाई को मारा है। मैं माल मारूंगा तुझे। जा। चिता पर मैं आग नहीं दे पाया तो इसे मारने के बारे में मैंने सोचा, लेकिन तुम? मैंने सोचा इस शहर को आपकी जरूरत है, मेरी यहां जरूरत नहीं। मैं तो बदनसीब हूं। लेकिन अब इस गांव में अच्छा ही होगा क्योंकि अब आप यहां हैं। Oh!
हूँ।